हेलो एवरीवन, मैं विजय चौधरी स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल आरजे करियर पॉइंट की ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में। जो हमारे प्रीवियस क्लास हुई थी उसके अंदर हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी है, उसी के रिलेटेड हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसके हम अंदर हम कुछ जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे और डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। जॉइंट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, जैसे जॉइंट का टाइप पूछेगा कि वो किस टाइप का जॉइंट है, पर्टिकुलर जॉइंट देखिए। जैसे आपको शोल्डर जॉइंट दे दिया तो उसका टाइप पूछेगा हिंज जॉइंट है, कोंडाइलर है, लिप्सर्ड है या फिर ग्लेडिंग जॉइंट है। इस टाइप से ऑप्शन देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, या फिर फंक्शनल बेसिस पर आपको टाइप पूछ सकता है। तो ये इसके क्वेश्चन पूछने के टाइप हो गए, और इसी से रिलेटेड फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, तो वो रहेगा हमारे फंक्शनल बेसिस पर, सॉरी डायग्नोस्टिक टेस्ट रहेंगे, फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में स्टडी करेंगे। उससे पहले आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन है, आपको जो स्क्रीन पर विजिबल हो रहा है कि ये टेस्ट स्टार्ट हो रखे हैं, जो चल रहे हैं, कंटिन्यू है, 22 मेगा टेस्ट हैं, उनमें से 5 टेस्ट हो चुके हैं। जो न्यू स्टूडेंट है वो ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट को, और बाकी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो अपने सपोर्टिव नंबर पे कांटेक्ट कर ले, सपोर्टिव नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि पेपर ज्वाइन करने के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी दिक्कत आ रही, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। रेगुलर टेस्ट होते रहते हैं, और उसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि जो लास्ट ईयर के लास्ट टेस्ट के टॉपर हैं, जो हमारे आरजी के टॉप रैंकर्स हैं, टॉप 10 रैंकर्स, उनकी उनका नाम और उनकी फोटो देख लीजिए कि ये टॉप रैंकर्स हैं, और इनमें से 3-4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंटिन्यू अपनी 10 रैंक के अंदर, टॉप 10 के अंदर कंटिन्यू बने हुए हैं। उनके अंदर फर्स्ट है रूपाली चौरासिया, जो कंटिन्यू पिछले 3 टेस्ट से कंटिन्यू टॉप 10 रैंकर में है। जो लास्ट टेस्ट लगा था उसके अंदर 3rd रैंक थी, इस टेस्ट के अंदर उनके 1st रैंक है, तो कंटिन्यू इनकी मेहनत बिल्कुल बराबर है, जो लगातार मूव कर रही है। अभी की बार 1st रैंक है, तो रूपाली जी आपके लिए इन्फॉर्मेशन है कि आपको इस 1st रैंक को मेंटेन करके रखना है। आपकी इमेज अब 1st रैंक के हिसाब से सेट हो गई है, तो आप 10 रैंक से बाहर निकलोगे तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपकी रेपुटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा कि आप आरजे के टॉप रैंकर्स हो। तो 2nd नंबर है महेंद्र चौधरी, ये न्यू स्टूडेंट है जो अब की बार 1st एंट्री है इनकी आरजे के अंदर। 3rd वन है विनोद सेन, इनकी भी 1st एंट्री है टॉप 10 के अंदर। देखते हैं कितना टाइम तक ये कंटिन्यू रह पाते हैं, क्योंकि लगातार स्टूडेंट की संख्या बढ़ती जा रही है और रैंक के अंदर फ्लैक्चुएशन देखने को मिलता है। एक टेस्ट लगता है, दूसरे टेस्ट के अंदर स्टूडेंट टॉप 10 से गायब हो जाता है, नया स्टूडेंट एंट्री मारता है। 4th नंबर पे है पंकज, जो लास्ट टेस्ट के अंदर 1st रैंक थी। देख लीजिए पंकज, आपकी लास्ट टेस्ट में 1st रैंक थी, अब की बार 4th रैंक है। आपको 3 स्टूडेंट ने पीछे छोड़ दिया है, तो अपनी स्टडी को बिल्कुल कंटिन्यू रखिए आप। फिर है 5th नंबर पे सरिता, जिनकी लास्ट टेस्ट में थी 6th रैंक, आपकी बार है 5th रैंक, इनकी प्रोग्रेस हुई है, इन्होंने कंटिन्यू क्लासेस ज्वाइन की है, टेस्ट को सीरियसली लिया है, एग्जाम को अच्छे से कंडक्ट किया है। और लास्ट वन है 6th नंबर है सीनू, उनकी लास्ट टेस्ट में 5th रैंक थी, अब की बार 6, यानी कि 1 नंबर नीचे आ गई वो, तो उनके लिए भी एक कंपटीशन है कि टॉप 5 को पीछे छोड़ के 1st रैंक बनाने की कोशिश करें। 7 नंबर है अंजलि रावत, जिनकी पिछले 2 टेस्ट से 1st रैंक थे, 2 टेस्ट लगे थे उनमें 1st रैंक थी, लास्ट टेस्ट में शायद टॉप 10 में भी नहीं थी, अब की बार टॉप 10 के अंदर उनकी एंट्री फिर से हुई है, तो अपनी स्टडी को बिल्कुल कंटिन्यू रखिए भाई। ये मेजर टेस्ट था, इसके अंदर ये बाकी टेस्ट जो पर्टिकुलर सिस्टम वाइज हो रहे थे, ये मेजर टेस्ट था, उसी के हिसाब से आपको कंटिन्यू रहना है, और अपने मोटिवेशन को और अपने जुनून को बिल्कुल कंटिन्यू रखना है 22 टेस्ट तक। देखते हैं फिर एम्स के अंदर सिलेक्शन कौन रोकता आपका। गजेंद्र भारती, यह भी न्यू एंट्री है इनकी भी, चेतन की, और लास्ट वन है वीना देवी, इन 2 स्टूडेंट की इमेज नहीं है, बाकी चेतन है 9th नंबर पे और 10th नंबर है वीना देवी। तो बाकी जो भी स्टूडेंट है टॉप 10 के नीचे के स्टूडेंट है, उनका कंपटीशन ये होना चाहिए कि हम इन टॉप 10 को रिप्लेस कर सके, और इन टॉप 10 की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, हम ये जो हमारे रैंक है उसको लगातार मेंटेन रख सके, जो आने वाले टेस्ट है। जैसे आगे टेस्ट बढ़ते जाएंगे तो आपका कंपटीशन और भी टफ होता जाएगा, जैसे आप
अब 5 टेस्ट लगे हैं, नेक्स्ट टेस्ट होगा 12 तारीख को, उसके अंदर कंपटीशन और देखने को मिलेगा क्योंकि उसके अंदर स्टूडेंट और ऐड होंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे टेस्ट के अंदर, जैसे जैसे एग्जाम की नियर बाई जाते जाओगे, तो ये कंपटीशन टफ होता जाएगा, आपकी रैंक चेंजेस होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अपनी स्टडी को बिल्कुल डबल कर दीजिए आज से ही आप। रूपाली चौरासिया, इनके लिए बिल्कुल, इनको बिल्कुल सीरियसली लेना है। देखते हैं पिछले लास्ट जो नेक्स्ट टेस्ट होगा स्केलेटल और इंटेग्योमेट्री का, उसके अंदर इनकी फर्स्ट रैंक रहती है या कोई रिप्लेस करता है। अपने आप से कमिट कर लो सब कि नहीं, मेरे को टॉप 10 के अंदर आना ही है और इनको रिप्लेस करना है, और ये टॉप 10 क्या क्या कमिट कर ले, हमें टॉप 10 में रहना ही है। तभी देखते हैं कितना कंपटीशन क्रिएट होता है, कितने मार्किंग्स आते हैं, कितने नेगेटिव करते हो आप, वो सभी चीजें आपको एनालिसिस करने को मिल जाती है वैसे कि आपका किसके अंदर कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है। तो इस टेस्ट से ये बेनिफिट होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट में किसकी इमेज देखने को मिलती है, कौन होते हैं टॉप 10 रैंकर्स। उसी के लिए अभी से प्रिपरेशन में लग जाओ। 12 को आपका टेस्ट है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं आज का। जो भी न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, वो ज्वाइन कर सकता है टेस्ट। उसी के रिगार्डिंग यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने सपोर्टिंग नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकता है और इन्फॉर्मेशन ले सकता है किस हिसाब से टेस्ट ज्वाइन करना आपको और किस हिसाब से एग्जाम लगती है। मस्कुलोस्केलेटल पढ़ रहे थे, स्टूडेंट की संख्या काफी कम है, एक बार शेयर कर दीजिए क्लास को, फिर स्टार्ट करते हैं। यहां से क्वेश्चन आते हैं, जो लास्ट टेस्ट हुआ था, क्लास हुआ था, वो बेसिक चीजें थी, वहां से क्वेश्चन कम आते हैं, बेसिक चीजें थी। लेकिन जो अब टॉपिक होगा वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटेटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से काफी क्वेश्चन आते हैं। आप जो भी न्यू स्टूडेंट है उनकी कोई क्यूरीज है एग्जाम से रिलेटेड या एग्जाम ज्वाइन करने से रिलेटेड, तो आप सपोर्टिव नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आप सपोर्टिव नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, आरजे के जो सपोर्टिव नंबर है उन पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। देखिए ये इनके ने आरजे के ये सपोर्टिव नंबर है, आप इन पे कांटेक्ट कर लीजिए और जो भी आपको डिटेल्स है वो आप यहां से ले सकते हो, किस हिसाब से आपको टेस्ट ज्वाइन करना है और क्या करना है। सोनाली जी, यहां से जो आपको ये सपोर्टिव नंबर दिए गए आप यहां पे कांटेक्ट कर सकते हो और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप यहां से ले सकते हो टेस्ट के रिगार्डिंग। तो जॉइंट पढ़ रहे थे, जॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। तो जॉइंट होते क्या है, सबसे पहले तो जंक्शन बिटवीन टू और मोर आर्टिकुलेटिंग सरफेस, ऑफ दी बोन की, दो या दो से ज्यादा बोन की जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस है उनके बीच में कोई कनेक्शन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट बोलते हैं। अब जॉइंट के अलग अलग टाइप है, उनको पढ़ते हैं। दो या दो से ज्यादा बोन जिनके आर्टिकुलेटिंग सरफेस एक दूसरे से कनेक्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, जॉइंट बोलते हैं। जॉइंट क्या है, जंक्शन बिटवीन टू और मोर आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द बोन, बोन की आर्टिकुलेटिंग सरफेस के बीच में जो जंक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट बोलते हैं। अब जॉइंट का क्लासिफिकेशन देख लीजिए, सबसे पहले आप क्लासिफिकेशन में क्या दे रखा है, हम जॉइंट को दो डिवाइडेशन करेंगे, एक तो स्ट्रक्चरल बेसिस पर डिवाइड करेंगे, एक फंक्शनल बेसिस पर। कि फंक्शनल बेसिस पर हम जॉइंट को कैसे डिवाइड कर सकते हैं और स्ट्रक्चरल पर कैसे करते हैं, देखिए स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट, स्ट्रक्चरल बेसिस पर, सेकंड है फंक्शनल बेसिस पर। किस बेसिस पे, फंक्शनल बेसिस पर। किसका डिवाइडेशन है, जॉइंट का डिवाइडेशन पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चरल बेसिस और फंक्शनल बेसिस पे। फर्स्ट वन देखते हैं हम स्ट्रक्चरल बेसिस पर, फर्स्ट वन क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्चर, हेडिंग डाल लीजिए स्ट्रक्चरल बेसिस पर। जॉइंट के क्या डिवाइडेशन है, स्ट्रक्चर के आधार पर हम जॉइंट को तीन भागों में डिवाइड करते हैं,
फर्स्ट वन है इसके अंदर फाइब्रस जॉइंट, क्या बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट, जो बिल्कुल फिक्स जॉइंट होंगे जैसे सूचर वगैरह होते हैं वो फाइब्रस जॉइंट के अंदर आते हैं। सेकंड वन होते हैं कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस में मूवमेंट होगा, स्लाइडिंग मूवमेंट होगा, जैसे आपको वर्टिब्रल कॉलम होते हैं उनके अंदर फाइब्रस ये कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं। नेक्स्ट वन साइनोवियल जॉइंट, नेक्स्ट वन क्या होते हैं साइनोवियल जॉइंट। तो स्ट्रक्चर के आधार पर हम जॉइंट को तीन भागों में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट वन फाइब्रस जॉइंट, सेकंड वन कार्टिलेजिनस जॉइंट, थर्ड वन साइनोवियल जॉइंट। तो इसके अंदर हम फर्स्ट वन देखते हैं फाइब्रस जॉइंट को, कि फाइब्रस जॉइंट के डिवाइडेशन क्या है। फाइब्रस जॉइंट के अंदर हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं फाइब्रस जॉइंट को, फाइब्रस जॉइंट को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। उसके अंदर फर्स्ट वन है सूचर, क्या है सूचर, फाइब्रस जॉइंट है। देखिए सबसे पहले स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चर के आधार पर फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल। फाइब्रस तो वो जॉइंट है जिनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता, बिल्कुल फिक्स जॉइंट होते हैं, हड्डी से हड्डी एक बार जुड़ गई तो वो बिल्कुल फिक्स रहेगी, उनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगा, बिल्कुल फिक्स रहेंगे, तो उनको क्या बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट। और सेकंड वन है कार्टिलेजिनस जॉइंट, जिनके अंदर स्लाइडली मूवमेंट होगा, जैसे आपकी वर्टिब्रा होती है उनके अंदर मूवमेंट पॉसिबल है तो वो कार्टिलेजिनस में आएंगे। थर्ड वन साइनोवियल जॉइंट, जो फ्रीली मूवमेंट पॉसिबल है उसको क्या बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं। तो फर्स्ट वन स्टार्ट करें फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट में फर्स्ट वन है सूचर, सेकंड वन है सिंडेस्मोसिस, सेकंड वन क्या है सिंडेस्मोसिस। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्लासिफिकेशन ही अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन आते हैं यहां से, बिल्कुल आपको ध्यान से समझना एक एक चीज। थर्ड वन फर्स्ट वन सूचर, सेकंड वन सिंडेस्मोसिस, नेक्स्ट वन गोम्फोसिस, थर्ड वन गोम्फोसिस। गोम्फोसिस किसके अंदर होते हैं, जो टीथ होते हैं हमारे गम्स और टीथ के बीच में जो जॉइंट होता है उनको क्या बोलते हैं गोम्फोसिस, और वो फिक्स होते हैं, उनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता, मूवमेंट होता है तो दांत टूट ही जाता है फिर। तो क्या सेकंड वन क्या है सिंडेस्मोसिस है, जिनके अंदर भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट वन कौन सा है सूचर हो गया, ये तो गया किसके फाइब्रस जॉइंट के क्लासिफिकेशन। अब सेकंड वन देखेंगे हम किसके कार्टिलेजिनस जॉइंट के टाइप देखेंगे, समझ में आ रहा है आपको। सेकंड वन फाइब्रस जॉइंट के क्लासिफिकेशन हो गया है, सेकंड वन कार्टिलेजिनस के बारे में लिख रहा हूं, सेकंड वन कार्टिलेजिनस। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट के अंदर सेकंड टाइप का है कार्टिलेजिनस जॉइंट, इसके टाइप कितने हैं ये देख लेते हैं। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, कार्टिलेजिनस जॉइंट को दो भागों में डिवाइड किया गया है, वो दो टाइप कौन कौन से हैं, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, सेकंड वन है सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। ये किसके टाइप है, स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चर और क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट पढ़ रहे थे, उसके अंदर हमने फर्स्ट पढ़ा फाइब्रस जॉइंट, उसके तीन टाइप हो गए सूचर, सॉरी सूचर, सिंडेस्मोसिस और गोम्फोसिस। फिर सेकंड वन हमने स्टार्ट किया कार्टिलेजिनस जॉइंट, कार्टिलेजिनस के बारे में हमने पढ़ा कि इसके दो टाइप होते हैं, कौन कौन से प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट और सेकंड वन कौन सा है सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। नेक्स्ट वन देखिए तीसरा, तीसरा कौन सा था रिप्लाई कीजिए फटाफट, तीसरा टाइप कौन सा था फाइब्रस जॉइंट के अंदर जो स्ट्रक्चर के आधार पर तीसरा टाइप कौन सा था, थर्ड वन साइनोवियल जॉइंट, कौन सा था साइनोवियल जॉइंट। अब साइनोवियल जॉइंट का क्लासिफिकेशन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन आते हैं यहां से, इसका देख लीजिए। साइनोवियल जॉइंट के अंदर फर्स्ट वन, इसके अंदर फर्स्ट वन है यूनिएक्सियल, सॉरी ग्लीडिंग जॉइंट, ग्लीडिंग जॉइंट फर्स्ट वन इसके अंदर क्या है ग्लीडिंग जॉइंट, ये किसके अंदर है साइनोवियल जॉइंट के अंदर। सेकंड वन रिप्लाई करते जाइए फटाफट, जो क्वेश्चन बोलता हूं मैं उसका रिप्लाई करते जाइए। साइनोवियल के अंदर फर्स्ट वन ग्लीडिंग जॉइंट, सेकंड वन बताइए आपको पता है तो, सेकंड वन कौन सा है बाईहेक्सियल, बाईहेक्सियल जॉइंट, सेकंड कौन सा है बाईहेक्सियल।
फेनोबियल जॉइंट के क्लासिफिकेशन बता रहा हूं मैं। फर्स्ट वन ग्लिडिंग जॉइंट हो गया, सेकंड वन बायहेक्सियल जॉइंट। बायहेक्सियल के अंदर भी दो टाइप है इसके। बायहेक्सियल के अंदर कौन कौन से आते हैं, इसके अंदर आते हैं एचपीसी, याद रखना आपको, हिंज जॉइंट और पीवोट जॉइंट। किसके याद रखना है, एचपी। किसके अंदर, बायहेक्सियल के अंदर एचपी से क्या याद रखना है, हिंज जॉइंट और पीवोट जॉइंट याद रखना है। बायहेक्सियल के अंदर पीवोट जॉइंट और हिंज जॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट वन चलिए, बायहेक्सियल में नहीं है, यूनिहेक्सियल के अंदर है। किसके अंदर है, यूनिहेक्सियल। यूनिहेक्सियल जॉइंट के अंदर क्या है, हिंज जॉइंट और पिवोट जॉइंट यूनिहेक्सियल के अंदर है। सेकंड वन देखिए, सेकंड टाइप क्या है, बायहेक्सियल। सेकंड वन क्या है, बायहेक्सियल जॉइंट। बायहेक्सियल जॉइंट के अंदर क्या आता है, इसके भी दो डिवाइडेशन है। अब दो कौन कौन से हैं वो रिप्लाई कीजिए फटाफट। देखिए बताइए दो कौन कौन से टाइप है। फर्स्ट वन तो कौन सा है, कॉन्डाइलर। फर्स्ट वन तो कौन सा है, कॉन्डाइलर है। सेकंड वन कौन सा है, इलिप्सॉइड। नेक्स्ट वन देखिए, मल्टीहेक्सियल। नेक्स्ट वन कौन सा है, मल्टीहेक्सियल, फोर्थ टाइप इसका। साइनोवेल का फोर्थ टाइप मल्टीहेक्सियल। उसके अंदर भी दो टाइप है, उसके अंदर कौन कौन से हैं ये तो पता होगा आपको। कौन कौन सा आता है, सैडल जॉइंट, और कौन सा आता है इसके अंदर, बाल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि क्या करते हैं, फ्रीली मूवमेंट करते हैं, बाल एंड सॉकेट जॉइंट। समझ में आ रहा है? तो ये तो क्लासिफिकेशन था इसका। देखिए स्टार्टिंग से देखिए, जो तीन टाइप थे जॉइंट पढ़ा आपने स्टार्टिंग से, जॉइंट के तीन टाइप थे। स्ट्रक्चर बेसिस पे हमें तीन भागों में डिवाइड किया, फर्स्ट वन फाइब्रस जॉइंट, सेकंड वन कार्टिलेजिनस जॉइंट, थर्ड वन साइनोवियल जॉइंट। अब इसी साइनोवियल जॉइंट की बात कर रहा हूं जहां से सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साइनोवियल जॉइंट को डिवाइड किया गया है ग्लिडिंग जॉइंट के अंदर, फर्स्ट वन तो, सेकंड वन यूनिहेक्सियल। यूनिहेक्सियल के अंदर आपको एचपी से याद रखना है हिंज जॉइंट और पिवोट जॉइंट। सेकंड वन आता है बायहेक्सियल। बायहेक्सियल के अंदर हमने कॉन्डाइलर जॉइंट और सेकंड वन इलिप्सॉइड, इनको पढ़ेंगे हम। कौन कौन से इलिप्सॉइड जॉइंट होते हैं, कौन कौन से कॉन्डाइलर होते हैं, कौन से पिवोट होते हैं, कौन से हिंज जॉइंट होते हैं, ये पढ़ेंगे हम। कैसे कंफ्यूज हो रहे हो, बाल एंड सॉकेट जॉइंट में कैसे कंफ्यूज हो रहे हो? सीधा सा क्लासिफिकेशन है, तीन टाइप है स्ट्रक्चर बेसिस पे, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल। साइनोवियल में क्या हो गया, ग्लिडिंग हो गया, यूनिएक्सियल के अंदर दो हो गया, हिंज जॉइंट और पिवोट जॉइंट, बायएक्सियल के अंदर कॉन्डाइलर इलिप्सॉइड, और मल्टीएक्सियल के अंदर सैडल और बाल एंड सॉकेट। हो गया, बिल्कुल इजी है। और कार्टिलेजिनस पढ़ा हमने सेकंड टाइप, जिसके अंदर प्राइमरी और सेकेंडरी कार्टिलेजिनस, इजी है। फर्स्ट वन देखिए, फाइब्रस जॉइंट, ये हमने पढ़ा स्ट्रक्चर बेसिस पे, स्ट्रक्चर पे फाइब्रस और कार्टिलेजिनस और साइनोवियल। फर्स्ट वन फाइब्रस है, उसके तीन डिवाइडेशन है, चूचर, सिंडेस्मोसिस और गोम्पोसिस। समझ में आ रहा है? हाँ जी, बता देंगे आपको सिंडेस्मोसिस, गोम्पोसिस, ये बता देंगे, ये जॉइंट पढ़ेंगे हम आगे। ये तो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया, ओनली केवल क्लासिफिकेशन बताया, इनको हम पढ़ेंगे एक एक को, तो इनको याद कर लीजिए फटाफट, रिवाइज करा रहा हूं मैं। सूचर हो गया, सिंडेस्मोसिस हो गया, गोम्पोसिस किसके अंदर, फाइब्रस के अंदर। सेकंड वन कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस में कौन सा है, प्राइमरी कार्टिलेजिनस और सेकेंडरी कार्टिलेजिनस। समझ में आ गया? थर्ड वन चलिए, कौन सा है, साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल में कौन सा है, ग्लिडिंग जॉइंट, यूनिहेक्सियल के अंदर कौन सा है, हिंज जॉइंट एंड पिवोट जॉइंट। इनको याद कर लीजिए फटाफट, इनको हम सेपरेटली पढ़ेंगे आगे। तो आपको मैं पूछता जाऊंगा फटाफट कि ये कौन से टाइप का था, मल्टी एक्सियल था, बाई एक्सियल था, कौन सा था। तो बाई एक्सियल में कौन सा है, कॉन्डाइलर है, और सेकंड वन कौन सा है, इलिप्सॉइड है। लास्ट वन देखिए, साइनोवियल जॉइंट के अंदर, मल्टी एक्सियल के अंदर, मल्टी एक्सियल के अंदर है सॉरी सैडल जॉइंट और बाल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट। अब फंक्शनल बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखते हैं।
मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि हम दो भागों से पढ़ेंगे इसको, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन और फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल बेसिस पे हम जॉइंट को तीन भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं? तीन भागों में, जहां से ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जो इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आया हो। एग्जाम जिन्होंने दिया है उनको पता लग जाएगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन कहां से आया था। सिनार्थ्रोसिस, नाम सुना सुना लग रहा होगा कि एग्जाम में देखा तो था, सिनार्थ्रोसिस। एमपी आर्थ्रोसिस, थर्ड वन डायआर्थ्रोसिस। क्या हो गया? डायआर्थ्रोसिस। ये तीन डिवाइडेशन है फंक्शनल बेसिस पे, किसके? जॉइंट के। जॉइंट को फंक्शन के आधार पर, फंक्शन का मतलब क्या है, इनके मूवमेंट के आधार पर कि कौन से जॉइंट में कितना मूवमेंट होगा, वो कौन डिसाइड करता है, इन्हीं तीन टाइप के आधार पर हम पढ़ते हैं कौन से जॉइंट को कितना मूवमेंट हो रहा है। जैसे बिल्कुल मूवमेंट हो ही नहीं रहा तो उसके लिए क्या वर्ड काम में लेंगे? सिनार्थ्रोसिस। फाइब्रस जॉइंट का फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या है? फाइब्रस जॉइंट का सिनार्थ्रोसिस। कार्टिलेजिनस जॉइंट का फंक्शनल क्लासिफिकेशन क्या है फंक्शनल बेसिस पे? किसमें रखते हैं हम? एमपी आर्थ्रोसिस के अंदर। और नेक्स्ट वन, साइनोवियल जॉइंट को किसके अंदर रखते हैं? डायआर्थ्रोसिस के अंदर। अब इनका मींस देख लीजिए, सिनार्थ्रोसिस का मतलब क्या होता है? सिनार्थ्रोसिस का मींस होता है नो मूवमेंट, कोई मूवमेंट नहीं होगा इनके अंदर, बिल्कुल फिक्स जॉइंट होंगे, जैसे स्कल के जॉइंट होते हैं बिल्कुल फिक्स, उस टाइप के। एमपी आर्थ्रोसिस के अंदर स्लाइडली मूवमेंट होगा, क्या होगा? मूवमेंट होगा बिल्कुल कम, तो उनको क्या बोलते हैं? एमपी आर्थ्रोसिस। नेक्स्ट वन डायआर्थ्रोसिस, थर्ड टाइप ऑफ फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट के। उसके अंदर हम क्या है? फ्रीली मूवमेंट। क्या है इनमें? फ्रीली मूवेबल है, फ्रीली मूवमेंट पॉसिबल है, उनको क्या बोलते हैं? डायआर्थ्रोसिस। तो ये आपका क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। हाँ, एमपी का मतलब लिमिटेड मूवमेंट या फिर स्लाइडली मूवमेंट, जैसे आपके वर्टिब्रा के अंदर होते हैं, जो हमने अभी फंक्शनल बेसिस पे पढ़ा हमने कार्टिलेजिनस जॉइंट, वो किसके अंदर आता है? एमपी आर्थ्रोसिस। किस टाइप का है जॉइंट? वो एमपी आर्थ्रोसिस। और जो फाइब्रस जॉइंट है, जैसे गोम्फोसिस हो गया, सिंडेस्मोसिस हो गया, शूचर हो गए, वो किस टाइप के है? सिनार्थ्रोसिस टाइप के है। नेक्स्ट वन डायआर्थ्रोसिस, जिनके अंदर फ्रीली मूवमेंट पॉसिबल है। जो लास्ट ईयर ईएसआईसी का एग्जाम लगा था उसके अंदर पूछा था सिनार्थ्रोसिस का मतलब, पूछा था सिनार्थ्रोसिस के बारे में पूछा था ईएसआईसी के अंदर। रेलवे के अंदर भी इसका क्वेश्चन आया था, सिनार्थ्रोसिस फ्रीली नो मूवमेंट, एमपी आर्थ्रोसिस स्लाइडली मूवमेंट, डायआर्थ्रोसिस फ्रीली मूवमेंट। ये आगे जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे सेपरेटली तो ये नाम आएंगे, बीस बीस में फिर से नाम आएंगे, तो इनको याद कर लीजिए। सिनार्थ्रोसिस बिल्कुल स्टेबल, कोई मूवमेंट नहीं होगा, स्कल के जॉइंट। एमपी आर्थ्रोसिस स्लाइडली मूवमेंट होगा। नेक्स्ट वन डायआर्थ्रोसिस, फ्रीली मूवेबल होंगे जॉइंट। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन, जॉइंट के बारे में बताया मैंने, जंक्शन बिटवीन टू और मोर आर्टिकुलेटिंग सरफेस ऑफ द बोन इज नोन एज जॉइंट। जॉइंट किसको कहते हैं? दो या दो से ज्यादा आर्टिकुलेटिंग सरफेस के बीच में जो जंक्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? हम जॉइंट बोलते हैं। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन पढ़ा हमने जॉइंट का, और फंक्शनल बेसिस पे भी हमने इसका क्लासिफिकेशन देख लिया। नेक्स्ट वन देखिए, हमने जो फंक्शन स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसके अंदर तीन टाइप पढ़े थे, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल। उनके अंदर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस जॉइंट होते क्या है, और फाइब्रस जॉइंट के अंदर हमने तीन टाइप पढ़े थे, उनका उनको हम कैसे पहचानेंगे, उनके अंदर क्या है, कौन से जॉइंट आते हैं, तो उनको देखते हैं। फर्स्ट वन चीजें समझ में आ रही है आपको? क्लास को शेयर कीजिए एक बार आप सभी। तो फाइब्रस जॉइंट होते क्या है? आर्टिकुलर सरफेस अटैच विद डेंस फाइबर्स, डेंस फाइबर्स विच इज विच नोन एज फाइब्रस टिश्यू।
जो आर्टिकुलेटिंग सरफेस किससे कनेक्ट होगी, जो डेंस स्ट्रक्चर है, जटिल स्ट्रक्चर है उससे कनेक्ट होगी, उनको क्या बोलते हैं, फाइब्रस जॉइंट। नो मूवमेंट इन फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगा। समझ में आ रहा है, मैंने बताया था फाइब्रस जॉइंट के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगा। सेकेंड वन सिनआर्थ्रोसिस, फंक्शनल बेसिस पे फाइब्रस जॉइंट सिनआर्थ्रोसिस होते हैं। समझ में आ गया आपको, सिनआर्थ्रोसिस का मतलब कोई मूवमेंट नहीं होगा, बिल्कुल फिक्स जॉइंट होगा। अरे पीडीएफ का क्या करोगे, पढ़ा रहा हूं ना, यहीं पे याद कर लो, पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होनी नहीं चाहिए। बता रहा हूं, एक बार पढ़ा रहा हूं, रिवाइज करवा रहा हूं, फिर पूछ रहा हूं आपको, फिर पढ़ा रहा हूं, याद हो जाना चाहिए यहीं पे। तो सिनआर्थ्रोसिस टाइप के होते हैं फाइब्रस जॉइंट, जिनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता, इनके अंदर कोई भी साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। साइनोवियल कैविटी किसके अंदर प्रेजेंट होती है, साइनोवियल जॉइंट के अंदर प्रेजेंट होती है। सेकंड वन टाइप क्या है इसका, फाइब्रस जॉइंट का। फर्स्ट वन टाइप कौन सा है, सूचर। फाइब्रस जॉइंट के बारे में पढ़ा, जो जटिल स्ट्रक्चर है, जो डेंस स्ट्रक्चर है उसके उससे क्या कनेक्ट होते हैं, फाइब्रस जॉइंट कनेक्ट होते हैं, इनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता, और फंक्शनल बेसिस पे हम सिनआर्थ्रोसिस कैटेगरी के अंदर इसको रखते हैं, इनके अंदर कोई साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट नहीं होती। साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट किसके अंदर होती है, साइनोवियल जॉइंट के अंदर। उसके अंदर हमने फर्स्ट स्टार्ट किया है सूचर। सूचर क्या है, डेंस इरेगुलर फाइबर कनेक्शन ऑफ बोन। ये क्यों बोल रहा है, इरेगुलर क्यों बोल रहा है, जैसे आपने स्कल के अंदर सूचर पढ़े थे अभी मैंने बताया था, तो इस टाइप का डायग्राम बनाया था मैंने, बिल्कुल फ्लैट डायग्राम नहीं बनाया था। तो इसका मतलब क्या है, जो ये इरेगुलर सरफेस है ये एक दूसरे के अंदर क्या रहती है, फिक्स रहती है। ये आपको इरेगुलर सरफेस दिख रही है, ये एक दूसरे के अंदर फिक्स होती है, इनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता, इसलिए सूत्र को किसके अंदर रखा गया है, फाइब्रस जॉइंट के अंदर रखा गया है। किसके अंदर, फाइब्रस जॉइंट के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट वन देखिए सिंडेस्मोसिस। सिंडेस्मोसिस फाइब्रस जॉइंट का सेकेंड टाइप है। सिंडेस्मोसिस में होता क्या है, इंट्राओसिस मेम्ब्रेन होती है, जॉइंट के बीच में क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। ये देखिए लाइन, इंट्राओसिस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है किसके बीच में, बोन के बीच में। जैसे दो बोन है आपकी, ये होगी रेडियल बोन और ये होगी अल्नर बोन, तो इनके बीच में क्या होता है, बीच के अंदर गैप प्रेजेंट होता है, ये गैप प्रेजेंट होता है। इस गैप को फिल करने के लिए जो जॉइंट होता है उसको बोलते हैं इंट्राओसियस मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, इंट्राओसियस मेम्ब्रेन। प्रेजेंट वेयर बोन गैप इज वाइड, जहां पे बोन गैप वाइड रहेगा वहां पे सिंडेस्मोसिस टाइप के जॉइंट प्रेजेंट होंगे। सिंडेस्मोसिस किसका टाइप है, फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस का टाइप है, जिनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता। सिंडेस्मोसिस प्रेजेंट कहां होते हैं, जहां पे बोन गैप ज्यादा होता है। बोन गैप देखिए पूरी बॉडी के अंदर होता कहां है, हमारी रेडियस और अल्नर बोन होती है उसके बीच में क्या होता है, बोन गैप होता है, उसको फिल करने के लिए कौन सा जॉइंट होता है, सिंडेस्मोसिस टाइप का होता है। और ये कहां प्रेजेंट होता है, सेकंड वन प्रेजेंट होता है, ये हमारे टीबिया और फिब्ला के बीच में, इंट्राओसिस मेम्ब्रेन बिटवीन टीबिया एंड फिब्ला के बीच के अंदर, फर्स्ट वन तो। और सेकंड वन देखिए, एंड बिटवीन द रेडियस एंड अल्नर, रेडियस और अल्नर बोन के बीच के अंदर जॉइंट होगा और टीबिया और फिब्ला के बीच के अंदर होगा, तो उनको क्या बोलते हैं, सिंडेस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंडेस्मोसिस बोलते हैं। देखिए क्लास में आप रेगुलर रहिए, ये क्लास हटा दी जाएगी जैसे क्लासेस कंप्लीट होगी, क्लासेस को हटा दिया जाएगा, यहां से यूट्यूब से हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए गोम्फोसिस। गोम्फोसिस फाइब्रस जॉइंट का थर्ड टाइप है, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोम्फोसिस बोलते हैं, जिनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता। जंक्शन बिटवीन द पेज एंड सॉकेट इज नोन एज गोम्फोसिस। मतलब क्या है, ये आपका गम्स है, क्या है, गम्स है, और ये क्या है, हमारा टीथ हो गया, तो इनके बीच में ये जॉइंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, गोम्फोसिस। जो टीथ और गम के बीच के अंदर जो जंक्शन होता है, जो जॉइंट बनता है गम्स के बीच में, मसोड़े के बीच में और दांत के बीच में जो जॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, गोम्फोसिस। जो किसका टाइप है, फाइब्रस जॉइंट का टाइप है, जिसके अंदर कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है। फिर देखिए कार्टिलेजिनस जॉइंट। हमारा फाइब्रस जॉइंट का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। फर्स्ट वन कौन सा था, सूचर। सेकंड वन कौन सा था, सिंडेस्मोसिस। थर्ड वन गोम्फोसिस। अब सेकंड टाइप पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चरल का, कौन सा, कार्टिलेजिनस जॉइंट। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन चलिए, कार्टिलेजिनस जॉइंट होते क्या है, आर्टिकुलेटिंग सरफेस अटैच विद कार्टिलेज। जो भी आर्टिकुलेटिंग सरफेस होगी वो किससे कनेक्ट होगी, कार्टिलेज से कनेक्ट होगी। किससे कनेक्ट होगी, कार्टिलेज से कनेक्ट होगी। नेक्स्ट वन देखिए
ये कार्टिलेजनस जॉइंट किसके हो सकते हैं? हाइलिन के हो सकते हैं, हाइलिन कार्टिलेज के हो सकते हैं और फाइब्रोकार्टिलेज के हो सकते हैं। तो जो ये जॉइंट होते हैं इनके अंदर क्या होगा? स्लाइडली मूवमेंट होगा। जो कार्टिलेजिनस जॉइंट हो गए उनके अंदर स्लाइडली मूवमेंट पॉसिबल है, उनके अंदर स्लाइडली मूवमेंट होता है, इसीलिए इसको फंक्शनल बेसिस पे एमपी आर्थरोसिस के अंदर रखा गया। किस बेसिस पे? फंक्शनल बेसिस पे। फंक्शनल बेसिस पे किसको? कार्टिलेजिनस जॉइंट को किसके अंदर रखा गया है? एमपी आर्थरोसिस को किसके, सॉरी एमपी आर्थरोसिस के अंदर रखा गया है फंक्शनल बेसिस पे किसको? कार्टिलेजिनस जॉइंट को। नो साइनोवियल मेम्ब्रेन और नो साइनोवियल कैविटी, ना तो कोई साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट होती है इनके अंदर, ना कोई साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं, इनके हमने टाइप फड़े थे, कार्टिलेजिनस जॉइंट के टाइप फड़े थे, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट और सेकंड वन सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। कौन कौन से? प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी और सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट होते हैं। आप क्लास पे फोकस कीजिए, कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो क्वेश्चन कर सकते हो। इसके अंदर देखिए जो हमारे हाइलिन के कार्टिलेज जंक्शन होंगे, सॉरी जॉइंट बनेंगे, वो टेम्परेरी बेसिस होंगे, टेम्परेरी रहेंगे, वो फिर कुछ टाइम के बाद में बिल्कुल क्या होंगे? फिक्स हो जाएंगे। आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज क्या होगी? हाइलिन होगी। ये क्या लिखा हुआ है? हाइलिन कार्टिलेज होगी। क्या होगी? हाइलिन कार्टिलेज होगी। किसके बीच में? देखिए जंक्शन बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? ये चीज जो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट है, कार्टिलेज के दो टाइप है, प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट सॉरी सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? टेम्परेरी रहते हैं। और आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज होते क्या है? हाइलिन होती है, जो कहां प्रेजेंट होते हैं? जंक्शन बिटवीन सिंपाइस सॉरी जंक्शन बिटवीन एपिफाइसिस और डायफाइसिस, जो हमारी बोन होती है उसके अंदर एपिफाइसिस और डायफाइसिस दो एंड होते हैं, तो उनके बीच के अंदर जो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइलिन कार्टिलेज बोलते हैं। वो टेम्परेरी रहेगा, कुछ टाइम बाद में वो वहां से डिसअपियर हो जाएगा। फर्स्ट कोस्टो एक्सटर्नल जंक्शन, फर्स्ट कोस्टो एक्सटर्नल जॉइंट हो गया। और फाइब्रो कार्टिलेज के अंदर कौन सा हो गया? आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज कौन सी होगी? फाइब्रो कार्टिलेज होगी। कार्टिलेज के तीन टाइप होते हैं, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिन कार्टिलेज, तीन टाइप होते हैं, उसी के आधार पर पढ़ रहे हैं। और सेकंड क्या होंगे? ये परमानेंट होंगे। किसके अंदर प्रेजेंट होंगे? जैसे वर्टिब्रा के बीच में जो जॉइंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट बनते हैं, वहां पे कौन सी होती है? फाइब्रस जॉइंट होते हैं। और कौन से? सिंपाइसिस प्यूबिस। सिंपाइसिस प्यूबिस का जो जॉइंट बनता है वहां पे वो किस टाइप का है? फाइब्रस जॉइंट है। आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज क्या होगी? वहां पे फाइब्रो कार्टिलेज होगी। और किसके अंदर? वर्टिब्रा के अंदर भी क्या होगी? फाइब्रस कार्टिलेज प्रेजेंट होगी। दिखाई नहीं दे रहा क्या? दिखाई दे रहा? कैसे नहीं दे रहा? ब्राइटनेस इनके ठीक है, थोड़ा क्या है कि इनकी वर्ड्स की जो साइज है ना वो कम है, उस वजह से आपको थोड़ा दिक्कत आ रहा है। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसके ऊपर फोकस कीजिए, चीज़ें समझ में आएगी। इतना दिखाई दे रहा है कि आप समझ सकते हो उस चीज़ को, वर्ड्स की थोड़ी क्या है साइज कम है, इस वजह से आपको थोड़ी दिखाई देने में दिक्कत आ रहा है। ब्राइटनेस ठीक है इसकी, काफ़ी ज़्यादा की हुई है। तो नेक्स्ट वन जॉइंट कौन सा पढ़ेंगे हम? साइनोवियल जॉइंट। कौन सा पढ़ेंगे? साइनोवियल जॉइंट पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? साइनोवियल जॉइंट। अभी दिखाई दे रहा है ये कौन सा जॉइंट है? साइनोवियल जॉइंट, थर्ड वन।
डोंट वरी, मैं लिख के बता दूंगा आपको, जो चीजें दिखाई नहीं दे रही वो लिख दूंगा मैं। स्पेशल टाइप ऑफ जॉइंट इन विच साइनोवियल कैविटी इज प्रेजेंट है, स्पेशल टाइप के जॉइंट होते हैं जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट होती है, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिनके अंदर क्या होता है फ्रीली मूवमेंट होते हैं, क्या होते हैं फ्रीली मूवमेंट प्रेजेंट होते हैं। ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के आधार पर डाई आर्थ्रोसिस होते हैं, किसके आधार पर, फंक्शनल बेसिस पर, फंक्शनल बेसिस पे क्या होते हैं ये डाई आर्थ्रोसिस होते हैं, इनके अंदर फ्रीली मूवमेंट होता है, साइनोवियल जॉइंट फ्रीली मूवमेंट जॉइंट होते हैं जिनके अंदर फ्रीली मूवमेंट प्रेजेंट होता है। सूचर के बारे में क्या बताना है, सूचर क्या है फाइब्रस जॉइंट होता है, क्या जॉइंट होता है फाइब्रस जॉइंट होता है। देखिए काफी पीछे रह गया, सूचर के बारे में क्या होता है, सूचर क्या है इरेगुलर स्ट्रक्चर होती है सूचर, जो एक दूसरे के बाद अंदर क्या होते हैं फिक्स होते हैं और किसके अंदर आते हैं फाइब्रस जॉइंट के अंदर आते हैं, इनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता, इसलिए इनको क्या बोलते हैं सिन आर्थ्रोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट वन देखिए, अपना टॉपिक क्या चल रहा था, साइनोवियल जॉइंट चल रहा था, तो थर्ड क्लासिफिकेशन था हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले फाइब्रस जॉइंट पढ़ा, सेकंड वन कौन सा कार्टिलेजिनस जॉइंट पढ़ा, थर्ड वन साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल जॉइंट क्या है, जिनके अंदर साइनोवियल कैविटी और साइनोवियल मेम्ब्रेन साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होगा उनको क्या बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट बोलते हैं, उनके अंदर क्या होंगे मूवमेंट बिल्कुल फ्री होंगे। क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे, फंक्शनल क्लासिफिकेशन पे इसको डाई आर्थ्रोसिस कैटेगरी के अंदर रखा गया है, किसके अंदर डाई आर्थ्रोसिस कैटेगरी के अंदर, किसको साइनोवियल जॉइंट को। मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको, फटाफट याद करती जाइए इनको। अब इनके अंदर क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था ग्लीडिंग जॉइंट कौन से होते हैं, सेकंड वन क्या पढ़ा था हमने बाईहेक्सियल जॉइंट यूनिहेक्सियल जॉइंट, उनको देखते हैं हम सेपरेटली एक एक को। तो फर्स्ट वन ग्लीडिंग जॉइंट, ग्लीडिंग जॉइंट, ग्लीडिंग जॉइंट कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट वन साइनोवियल का फर्स्ट टाइप है ग्लीडिंग जॉइंट, उसके अंदर कौन कौन से जॉइंट आते हैं आंसर दीजिए, जिनको पता है वो रिप्लाई कीजिए कि ग्लीडिंग जॉइंट होते क्या है और कहां प्रेजेंट होते हैं। रिप्लाई कीजिए फटाफट, ग्लीडिंग जॉइंट होते क्या है और कहां प्रेजेंट होते हैं, फटाफट रिप्लाई कीजिए। जिनको नहीं पता वो समझ लीजिए, अभी साइनोवियल का फर्स्ट टाइप पढ़ रहे हैं ग्लीडिंग जॉइंट। ग्लीडिंग जॉइंट कहां प्रेजेंट होते हैं, इंटरकार्पल और इंटरटार्सल। अभी आपने पढ़ी होगी जो मैंने अभी बताया था कि एनाटॉमी के बारे में, कि टार्सल कौन कौन सी होती है, कार्पल कौन सी होती है। कार्पल कहां होती है, हाथ के अंदर, किसके अंदर होती है, रिस्ट जॉइंट बनाने का जो काम करती है वो क्या करती है कार्पल बोन का होता है, और जो पैर में होती है फुट के अंदर होती है उनको क्या बोलते हैं टार्सल बोलते हैं। कार्पल होती कितनी है, आठ होती है, कितनी होती है आठ होता है उनका टोटल काउंट, कितना होता है आठ होता है। सेकंड वन जो टार्सल होती है उनकी काउंट कितनी होती है, सात होती है। तो जो इंटरकार्पल और इंटरटार्सल मतलब क्या है, जो ये कार्पल और टार्सल है जो दो रो के अंदर प्रेजेंट होती है, जैसे ये चार बोन हो गई, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ये कौन सी होगी स्केफोइड ल्यूनेट पीसीफॉर्म, स्केफोइड ल्यूनेट पीसीफॉर्म, और कौन सी होगी यहां पे ट्रेपिजियम ट्रेपोजोइड कैपिटेट हेमेट, ये कौन सा रह गया एक स्केफोइड हो गया पहले, सेकंड वन ल्यूनेट पीसीफॉर्म ट्रेक्यूटेरम ट्रेपिजोइड पीसीफॉर्म कैपिटेट और हेमेट। ल्यूनेट के अंदर सबसे ज्यादा डिसलोकेशन, स्केफोइड के अंदर क्या होता है फ्रैक्चर होता है, और कैपिटेट में क्या होता है सबसे बड़ी बोन है। तो ये दो रो के अंदर प्रेजेंट होती है, किसके अंदर दो रो के अंदर, ये कौन सी है कार्पल बोन है, कौन सी है कार्पल बोन है। तो कार्पल बोन दो रो के अंदर प्रेजेंट होती है, तो ये एक दोनों दूसरे के बीच के अंदर कार्पल ही कार्पल एक दूसरे के बीच में, इंटरकार्पल मतलब कार्पल के बीच के अंदर जॉइंट होता है, क्या होता है कार्पल्स के बीच के अंदर जॉइंट होता है। ये आपको रिस्ट दिखाई दे रहा है मेरा, ये दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ये जॉइंट बन रहे हैं, यहाँ पे क्या होती है कार्पल बोन होती है। तो कार्पल दो रो के अंदर होती है, एक तो प्रोक्सिमल एक डिस्टल, डिस्टल कौन सा हुआ जो मिड लाइन से दूर होगा वो डिस्टल होगा, यानी कि यहां होगी वो डिस्टल रो होगी, यहां पर क्या होगी प्रोक्सिमल रो होगी। तो इनके दोनों के बीच में जो जॉइंट बनेंगे
उनको क्या बोलते हैं, इंटरकार्पल जॉइंट, क्या बोलते हैं, कार्पल, कार्पल के बीच में जो जॉइंट बनेगा उसको क्या बोलते हैं, इंटरकार्पल जॉइंट। और इसी हिसाब से टार्सल के बीच में बनता है उनको क्या बोलते हैं, इंटरटार्सल जॉइंट। इनको किसके किसके अंदर डाला गया है, साइनोवियल जॉइंट के अंदर, किसके अंदर डाला गया है, ग्लिडिंग जॉइंट के अंदर। ग्लिडिंग जॉइंट का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, ग्लिड करते हैं, यानी कि एक दूसरे पे फ्रिक्शन करते हैं, उसके अंदर क्या है, इंटरकार्पल और इंटरटार्सल जॉइंट हो गए। सेकंड वन देखिए, सेकंड हमने क्या पढ़ा था, हिंज जॉइंट। सेकंड वन लीजिए आप, हिंज जॉइंट। अब हिंज जॉइंट का तो सबको पता होगा, हिंज जॉइंट के अंदर किसको रखते हैं, सभी फटाफट रिप्लाई कीजिए। सेकंड वन हिंज जॉइंट, पहले तो ये बताइए कि हिंज जॉइंट किस टाइप का है, यूनि एक्सियल है, मल्टी एक्सियल है, बाई एक्सियल है, किस टाइप का है, और हिंज जॉइंट के अंदर किस किस को रखते हैं, कौन कौन से जॉइंट आते हैं, एल्बो जॉइंट फर्स्ट वन, तो सेकंड वन सेकंड वन एंकल जॉइंट, एक जॉइंट और आता है, रिप्लाई कीजिए फटाफट। हिंज जॉइंट क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं हिंज जॉइंट, किस टाइप के होते हैं, सबसे पहले तो फटाफट बताइए। एचपी मैंने बताया था किसके अंदर, यूनिहेक्सियल के अंदर, जिनके अंदर एक साइड मूवमेंट होगा। आपको एल्बो दिखाई दे रहा है वो हिंज जॉइंट का टाइप है, क्या है, हिंज जॉइंट का टाइप है। इसके अंदर देखिए एल्बो हो गया, एंकल हो गया, थर्ड वन देखिए इंटरफेलेंजियल जॉइंट, इंटरफेलेंजियल जॉइंट कौन सा होता है, इंटरफेलेंजियल जॉइंट। हाँ जी, जिनका आंसर सुनीता जी, ठीक है, इनका आंसर तो एल्बो हो गया, एंकल हो गया, इंटरफेलेंजियल जॉइंट हो गया, ये कौन से होते हैं, हिंज जॉइंट का टाइप है। किसका टाइप है, हिंज जॉइंट का टाइप है। थर्ड वन देखिए, थर्ड क्लासिफिकेशन, इसके बाद में क्या आया था अपना, पिवोट जॉइंट। थर्ड वन कौन सा था, पिवोट जॉइंट। पिवोट जॉइंट का मतलब समझते हो आप, पिवोट जॉइंट क्या होते हैं, साइनोवियल टाइप के जॉइंट होते हैं, इनका मतलब बताइए मेरे को जिसको पता है, और इनके अंदर किस किस को रखते हैं, पिवोट जॉइंट के अंदर किसको रखते हैं, जिनका मूवमेंट होता है, क्या होता है, जिनका एक जगह से फिक्स होके मूवमेंट होता है, पिवोट जॉइंट बोलते हैं उनको। किसके अंदर किसको लगते हैं, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट फर्स्ट वन, तो सेकंड वन कौन सा है, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट सेकंड वन है, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट, रेडियो अल्नार जॉइंट, ये किसके अंदर आता है, पिवोट जॉइंट के अंदर। थर्ड वन देखिए, डिस्टल पीवियो फिबुलर जॉइंट, डिस्टल टीवियो फिबुलर जॉइंट, इनको क्या बोलते हैं, पिवोट जॉइंट। समझ में आ रहा है आपको, ये आपको दिखाई दे रही है एल्बो जॉइंट हो गया, जो किसका टाइप है, हिंज जॉइंट का टाइप है। अब एल्बो से जस्ट आगे चलिए, मैंने क्या लिखा है यहां पे, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट। जो प्रोक्सिमल तो कौन सा हो गया, ये पार्ट, डिस्टल कौन सा हो गया, ये पार्ट। तो यहां पे रेडियस और अल्नर एक दूसरे से क्या होती है, कनेक्ट होती है, क्या होती है, तभी तो हाथ का, देखो यहां पे मैंने क्या किया, एल्बो को फिक्स किया, फिर फोरहेड क्या हो रहा है, सॉरी फोरहेड क्या हो रहा है, मूवमेंट कर रहा है। वो किसकी वजह से मूवमेंट कर रहा है, देखिए मूवमेंट हो रहा है ना, वो किसके वजह से हो रहा है, यहां पर रेडियस और अल्नर क्या करती है, जॉइंट बनाती है, जिसको बोलते हैं रेडियो अल्नार जॉइंट। प्रोक्सिमल और डिस्टल एंड पे क्या बनाती है, जॉइंट बनाती है, जिसकी वजह से मूवमेंट होते हैं। उन मूवमेंट, उन जॉइंट को किसके अंदर रखा गया है, पिवोट जॉइंट को। इसी हिसाब से डिस्टल टीबियो फिबुलर जो जॉइंट बनता है उसी को किसके अंदर रखते हैं, पिवोट जॉइंट के अंदर। और एटलस और एक्सिस, जो C1 और C2 वर्टिब्रा है, एटलस तो कौन सा है, C1, और एक्सिस कौन सा है, C2, इन दोनों के बीच में जो जॉइंट बनता है उसको क्या बोलते हैं, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, जो भी किस टाइप का होता है,
पिवोट टाइप का होता है, किस टाइप का होता है, पिवोट टाइप का होता है, किसकी वैक्सीन डिस्कवर कर रहे हो। नेक्स्ट वन देखिए, कोंडाइलर, नेक्स्ट वन कौन सा है, कोंडाइलर, फोर्थ वन कोंडाइलर जॉइंट। कोंडाइलर बताइए किस टाइप का है, फंक्शनल बेसिस पे कोंडाइलर को किस टाइप के अंदर रखा गया है, फटाफट बताइए। और साइनोवियल जॉइंट के अंदर इसको क्लासिफिकेशन किसके अंदर किया गया है, कोंडाइलर के अंदर कौन कौन से आते हैं, कोंडाइलर में आता है नी जॉइंट, कौन सा आता है, नी जॉइंट आता है। सेकंड वन कौन सा आता है, टेम्पोरो टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट, ये किसके अंदर आता है, कोंडाइलर के अंदर। अब इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट याद रख लीजिए एक चीज, कि हम जब नी जॉइंट के बारे में पढ़ते हैं, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, तो काफी कंफ्यूजन होता है कि हिंज है या कोंडाइलर है। तो फर्स्ट आपको प्रायोरिटी दे, फर्स्ट चॉइस दे, तो आपको क्या करना है, कोंडाइलर करना है, क्या करना है, कोंडाइलर। सेकंड आपको प्रायोरिटी दे, सेकंड चॉइस आपको देखने को मिले, तो क्या करना है, हिंज जॉइंट करना है, क्या करना है, हिंज जॉइंट करना है। किसके बारे में बता रहा हूं मैं, नी जॉइंट के बारे में बता रहा हूं, किसके बारे में बता रहा हूं, नी जॉइंट के बारे में बता रहा हूं। नी जॉइंट किसके, किस टाइप का है, बायहेक्सियल टाइप का, किसके आधार पे, फाइब्रस जॉइंट के, सॉरी साइनोवियल जॉइंट के अंदर, किस टाइप का है, बायहेक्सियल का है, कोंडाइलर। और फंक्शनल बेसिस पर किस टाइप का है, फंक्शनल बेसिस पे किस टाइप का है, डायआर्थ्रोसिस, इसके अंदर मूवमेंट पॉसिबल है, फ्रीली मूवमेंट होते हैं। नेक्स्ट वन जॉइंट देखिए, इलिप्सोइड, इलिप्सोइड, नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन कौन सा है, इलिप्सोइड जॉइंट। इलिप्सोइड के अंदर किसको रखते हैं, इलिप्सोइड के अंदर डिवाइड करते हैं हम किस किस को रखते हैं, एक तो रिस्ट जॉइंट को, किसको, फर्स्ट वन रिस्ट जॉइंट, कौन कौन से, रिस्ट जॉइंट को रखते हैं फर्स्ट वन। तो सेकंड वन आता है इसके अंदर मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, मेटाकार्पो, इनको बता दूंगा मैं बिल्कुल इजी तरीके से बता दूंगा, सब कुछ याद हो जाएगा ये कि कौन सा जॉइंट किस टाइप का है, मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट, मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट, ये दो जॉइंट होते हैं, रिस्ट जॉइंट, ये आपका क्या है, रिस्ट जॉइंट, किस टाइप का है, इलिप्सोइड। और क्या बोल रहा हूं मैं, रिस्ट, सॉरी, रिस्ट जॉइंट और मेटाकार्पो फेलेंजियल जॉइंट। मेटाकार्पो मतलब ये कौन सी होगी आपकी, मेटाकार्पल, ये कौन सी होगी, फेलेंजेज। तो मेटाकार्पल और फेलेंजेस के बीच में जो जॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे हम, ग्लीडिंग जॉइंट, क्या बोलेंगे, ग्लीडिंग जॉइंट, ये क्या है, ग्लीडिंग जॉइंट है। और इंटरफेलेंजियल जॉइंट कौन सा होता है, ये कौन सा है, हिंज जॉइंट, ये कौन सा है, इलिप्सोइड, कौन सा है, इलिप्सोइड, ये भी कौन सा है, इलिप्सोइड। नेक्स्ट वन देखिए आप, हमारा इलिप्सोइड हो गया, कोंडाइलर हो गया, पिवोट हो गया, हिंज हो गया, नेक्स्ट वन देखिए सैडल जॉइंट, कौन सा, सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट के अंदर किसको रखते हैं हम, सैडल जॉइंट के अंदर आता है कौन से, मेटाकार्पो, सॉरी कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, कार्पो मेटाकार्पल, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। और इसके अंदर सेकंड जॉइंट कौन सा होता है, स्टेनो क्लेविकुलर जॉइंट, कौन सा, ये वाला जॉइंट होता है जो स्टर्नम और क्लेविकल बनाती है, स्टेनो क्लेविकुलर, स्टेनो क्लेविकुलर जॉइंट सेकंड वन। किसके अंदर आते हैं, सैडल जॉइंट के अंदर, सैडल जॉइंट के अंदर फर्स्ट वन तो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, कौन सा फर्स्ट है, मेटा, कौन सा, कार्पो मेटाकार्पल, कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में जो जॉइंट होगा वो कौन सा होगा, सैडल जॉइंट होगा।
सेकंड वन स्टर्नम और क्लेविकल के बीच में, जो ये जॉइंट दिखाई दे रहा है ये मूवमेंट हो रहा है किसके अंदर हो रहा है, स्टर्नम और क्लेविकल का कनेक्शन हो रखा है उसके अंदर जो मूवमेंट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, सैडल जॉइंट। नेक्स्ट वन देखिए, बाल एंड सॉकेट जॉइंट, बाल एंड सॉकेट जॉइंट। बाल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर किसको रखते हैं हम, यह तो सबको पता है कि बाल एंड सॉकेट क्या होते हैं, मल्टी एक्सियल होते हैं, इनके अंदर क्या होता है, फ्रीली मूवमेंट होता है, तो डायआर्थ्रोसिस नेचर के होते हैं, सबको पता है ना। तो बताइए बाल एंड सॉकेट जॉइंट को पढ़ा आपने, बाल एंड सॉकेट जॉइंट कौन से होते हैं, बाल एंड सॉकेट जॉइंट कौन से होते हैं, फटाफट बताइए बाल एंड सॉकेट जॉइंट कौन कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट फर्स्ट वन, तो सेकंड वन हिप जॉइंट, कौन सा, हिप जॉइंट, जिनके अंदर क्या होता है, बाल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट होते हैं। शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट क्या होते हैं, बाल एंड सॉकेट जॉइंट होते हैं। आ गए सभी को समझ में, एक बार रिवाइज कर लीजिए फटाफट, देखिए फिर इनको समझाते हैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से। हमने स्टार्ट किया था थर्ड क्लासिफिकेशन, यहां से क्या आता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन होते हैं साइनोवियल के, टाइप पूछता है साइनोवियल क्या होते हैं, इनमें साइनोवियल कैविटी प्रेजेंट होते हैं, साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, फ्रीली मूवमेंट होता है, तो फंक्शनल बेसिस पे डाई आर्थ्रोसिस कैटेगरी के अंदर रखते हैं। फर्स्ट वन इसके अंदर हमने फिर पढ़ा, क्या पढ़ा इसके अंदर, पहले ग्लीडिंग जॉइंट। देखिए इसको स्टार्ट करने से पहले यहां से स्टार्ट कीजिए आप, मेरा हाथ दिखाई दे रहा है आपको, ये कौन सा जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट, कौन सा है, शोल्डर जॉइंट। तो ये कौन सा हो गया शोल्डर, तो कौन सा हो गया शोल्डर को और हिप जॉइंट को, लोअर एक्सट्रीमिटीज और अपर एक्सट्रीमिटीज को साथ लेके चलिए आप, ये आपको हाथ दिखाई दे रहा है शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट के साथ साथ कौन सा, हिप जॉइंट, ये तो कौन से है, बाल एंड सॉकेट जॉइंट, कौन कौन से, बाल एंड सॉकेट जॉइंट है, कौन सा, शोल्डर और हिप जॉइंट, जिनके अंदर फ्रीली मूवमेंट होता है, किसके अंदर क्या होता है, फ्रीली मूवमेंट होता है, डाई आर्थ्रोसिस नेचर के होते हैं। नेक्स्ट वन आगे चलिए, इससे आगे जो जॉइंट है वो कौन सा है, एल्बो जॉइंट, कौन सा है आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है, एल्बो जॉइंट, तो ये कौन से टाइप का हो गया, हिंज जॉइंट, कौन सा हो गया, हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट को हमें साइनोवियल जॉइंट के अंदर किसके अंदर पढ़ा था, यूनिहेक्सियल के अंदर, किसके अंदर, यूनिहेक्सियल के अंदर पढ़ा था। ये किस टाइप का जॉइंट है, हिंज जॉइंट है, कौन सा है, हिंज जॉइंट है। नेक्स्ट वन इसके आगे चलिए, इसके आगे जो जॉइंट स्टार्ट होता है वो कौन सा होता है, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट, कौन सा, प्रोक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट। ये जॉइंट जो दिखाई दे रहा है वो हमने क्या पढ़ा था, पिवोट जॉइंट, क्या पढ़ा था हमने, पिवोट जॉइंट कहां प्रेजेंट होता है, डिस्टल एंड प्रोक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नार जो जॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, कौन से जॉइंट होते हैं, पिवोट टाइप के। नेक्स्ट वन जो जॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, ये जो रिस्ट का जो मूवमेंट हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, एलिप्सॉइड, कौन सा जॉइंट बोलते हैं, एलिप्सॉइड जॉइंट। जस्ट इसके आगे चलिए क्या आ रहा है, कार्पल बोन आ रही, क्या बोन आ रही है, कार्पल बोन आ रही है। कार्पल की मेरे दो रो बताई थी आपको कि प्रोक्सिमल रो होती है और डिस्टल रो होती है, तो मैंने क्या बताया था, इंटरकार्पल और इंटरटार्सल, यानी कार्पल कार्पल के बीच में और टार्सल टार्सल के बीच में जो जॉइंट होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लीडिंग जॉइंट। यहां कौन सा जॉइंट होगा, ग्लीडिंग जॉइंट होगा। अब इससे आगे बढ़िए, कार्पल के बाद में क्या आती है, मेटाकार्पल, क्या आती है, मेटाकार्पल आती है। तो मेटाकार्पल और सॉरी कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में जो जॉइंट होगा उसको क्या बोलते हैं, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, क्या होता है, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, उसको क्या बोलते हैं हम, किस टाइप का जॉइंट है वो जॉइंट है कौन सा, सैडल जॉइंट, कार्पो मेटाकार्पल के बीच में सैडल जॉइंट। नेक्स्ट वन आगे चलिए, मेटाकार्पल और मेटाकार्पल से आगे कौन सी बोन है, फेलिंजेज, तो फेलिंजेज के बीच में और मेटाकार्पल के बीच में जो ये जो मूवमेंट हो रहा है, कार्पल सॉरी मेटाकार्पल और फेलिंजेज के बीच में जो ये जॉइंट बन रहा है, ये जो जॉइंट बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, एलिप्सॉइड, कौन सा बोलते हैं, एलिप्सॉइड। जस्ट इसके आगे चलिए, फेलिंजेज है तो फेलिंजेज फेलिंजेज के बीच में जॉइंट होता है, ये जो जॉइंट दिखाई दे रहा है ये कौन सा है, हिंज जॉइंट। आ गए सभी को समझ में, मैंने सभी जॉइंट बता दिए, जो भी टाइप है वो सभी हो गए आपके, हाथ को देख याद रख लो इससे, शोल्डर के अंदर कौन सा, बाल एंड सॉकेट, एल्बो के अंदर कौन सा है,
हिंज जॉइंट। नेक्स्ट वन इंटरकार सॉरी प्रोक्सिमल एंड डिस्टल रेडियल नर्व जॉइंट कौन से हैं? पिवोट जॉइंट। नेक्स्ट वन रिस्ट एलिप्सॉइड। इंटरकार्पल इंटरटार्सल जॉइंट कौन से हैं? ग्लिडिंग जॉइंट। कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट कौन से हैं? सैडल जॉइंट। मेटाकार्पल और फेलेंजियस के जॉइंट कौन से हैं? कौन से हैं? एलिप्सॉइड। और इंटरफेलेंजियल जॉइंट कौन से हैं? इंटरफेलेंजियल जॉइंट कौन से हैं? हिंज जॉइंट। इसके अलावा फिर मैंने कॉन्डाइलर का बारे में बताया था कि कॉन्डाइलर के अंदर किसको रखते हैं, और कॉन्डाइलर के अंदर दिस जॉइंट को और किसको रखते हैं? टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट को। किसको रखते हैं? टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट को, जो किसके अंदर रखते हैं? कॉन्डाइलर जॉइंट के अंदर। चीजें समझ में आ रही है? अब बताइए, आप बता रहे थे कंफ्यूज होते हैं काफी सर, आपको कंफ्यूजन है जॉइंट से रिलेटेड, चाहे फंक्शनल बेसिस हो या फिर स्ट्रक्चरल बेसिस हो या पर्टिकुलर पूछे, कुछ भी पूछे जॉइंट के बारे में, कोई प्रॉब्लम है? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। जॉइंट कंप्लीट हो गए हमारे, इनको अच्छे से याद रख लीजिए आप, यहां से काफी क्वेश्चन आते हैं। ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया, तो सीबीटी के रिगार्डिंग जो न्यू स्टूडेंट है हमारे तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। थंब का मूवमेंट बताया ना हमने, कार्पो मेटाकार्पल, कार्पो मेटाकार्पल सैडल जॉइंट है, कौन सा है? सैडल जॉइंट है। कार्पो मेटाकार्पल, कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में जॉइंट बना के क्या होता है? थंब का मूवमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट बोलते हैं सर उसको। सीबीटी की रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो न्यू स्टूडेंट है वो ज्वाइन कर सकते हैं और सपोर्टिव नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं यदि न्यू स्टूडेंट है तो। अब पढ़ेंगे हम कुछ टर्मिनोलॉजी है, देख लीजिए इनको, अबडक्शन क्या होता है, एडक्शन क्या होता है। कल होगी राजेश सर की क्लास, कल होगी बर्न की। कल होगी राजेश सर की क्लास होगी बर्न के बारे में, इंट्रोकोमेट्री सिस्टम के अंदर जो बर्न है उसके रिगार्डिंग क्लास होगी। तो कुछ टर्मिनोलॉजी है उनको देख लीजिए, फिर डायग्नोस्टिक टेस्ट पढ़ेंगे हम। फर्स्ट वन एडक्शन। एडक्शन तो क्या होता है? मूवमेंट टुवर्ड मिडलाइन, मिडलाइन की तरफ जो मूवमेंट होता है किसी बॉडी बॉडी ऑर्गन का या बॉडी पार्ट का मिडलाइन के पास आता है उसको क्या बोलते हैं? एडक्शन। एडक्शन क्या होता है? मूवमेंट अवे फ्रॉम द मिडलाइन, मिडलाइन से दूर जाता है, मिडलाइन से क्या होता है? दूर जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडक्शन। एडक्शन तो क्या होता है? मिडलाइन के पास में आना और मिडलाइन से दूर जाता है उसको क्या बोलते हैं? एडक्शन अबडक्शन बोलते हैं। टाइमिंग आप नोटिफिकेशन में देख लेना, हाँ कल होगी नोटिफिकेशन देख लेना कल। तो जो मिडलाइन के पास में आता है उसको एडक्शन बोलते हैं, मिडलाइन से दूर जाता है उसको अबडक्शन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट वन है रोटेशन। रोटेशन का मतलब क्या है? मूवमेंट राउंड टू लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन, बोन के लॉन्ग एक्सिस के अगेंस्ट क्या होते हैं? मूवमेंट होते हैं, उसको बोलते हैं रोटेशन। सब सुपिनेशन एंड प्रोनेशन दो टर्मिनोलॉजी है। सुपिनेशन और प्रोनेशन का मतलब क्या होता है? टर्निंग ऑफ द पाम एफ और टर्निंग ऑफ द पाम जो है हाथ है उसका ऐसे ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है सुपिनेशन, डाउन मूवमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोनेशन। सुपिनेशन प्रोनेशन सुपिनेशन प्रोनेशन। नेक्स्ट वन सर्कुलेशन। मूवमेंट ऑफ द लिम्ब इन द शेप ऑफ कॉइन के रूप में, जैसे ये मूवमेंट होता है इसको क्या बोलते हैं? सर्कुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्कुलेशन बोलते हैं। ये क्या होता है? सुपिनेशन, ये प्रोनेशन।
नेक्स्ट वन रोटेशन कौन सा हो गया, ये हमारा गर्दन का जो मूवमेंट होता है, हेड का जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, रोटेशन होता है। नेक्स्ट वन देखिए इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है उसका बॉडी के अंदर की तरफ टर्न करना, जैसे ये मेरा पैर है ये अंदर की तरफ टर्न करता है उसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोलते हैं। ये बाहर की तरफ टर्न करेगा उसको एक्सवर्जन बोलते हैं। टर्निंग ऑफ द सोल ऑफ द फीट इनवर्ड, अंदर की तरफ मूवमेंट करेगी इन्वर्जन और बाहर की तरफ मूव करेगी आउट, उसको क्या बोलेंगे, एक्सवर्जन। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन सबको पता है, फ्लेक्शन क्या बोलते हैं, ये मूवमेंट कौन सा हो गया, फ्लेक्शन हो गया, और ये वाला एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। आ गया समझ में। डायग्नोस्टिक टेस्ट बेसिक टर्मिनोलॉजी थी जो सबको आती है, मैंने भी काफी बार करवा दी वो चीजें। डायग्नोस्टिक टेस्ट के अंदर रेडियोलॉजिकल टेस्ट पढ़ेंगे, उनके अंदर सबसे पहले है एक्सरे, क्या पढ़ेंगे, एक्सरे के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरे की डिस्कवरी किसने की थी, एग्जाम में क्यों साधन आता है, विलियम रोंटगन 1895 के अंदर एक्सरे की डिस्कवरी की गई थी। जो फर्स्ट एक्सरे लिया गया था वो किसका लिया गया था, रिस्ट जॉइंट का, किसका लिया गया था, रिस्ट जॉइंट का। क्लियर नहीं दिख रहा क्या, अभी दिखाई दे रहा है। डायग्नोस्टिक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा पॉइंट है डायग्नोस्टिक टेस्ट, उसके अंदर रेडियोलॉजिकल टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। रेडियोलॉजिकल टेस्ट के अंदर सबसे पहले है एक्सरे, एक्सरे के थ्रू हमें जो भी हमारी एबनॉर्मलिटीज है स्केलेटल से रिलेटेड उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक्सरे ही करते हैं। तो एक्सरे की डिस्कवरी किसने की थी वो देख लीजिए, विलियम रोंटगन है जो साइंटिस्ट है, उनके ने 1895 के अंदर इसकी डिस्कवरी की थी। जो सबसे पहले जो एक्सरे किया गया था वो हमारे रिस्ट जॉइंट का किया गया था, किसका किया गया था, रिस्ट जॉइंट का, किस जॉइंट का, रिस्ट जॉइंट का एक्सरे हुआ था सबसे पहले। जो विलियम रोंटगन है उनकी मिसेज की क्या हो गई था, स्लिप हो गए थे, गिर गए थे, उनके रिस्ट जॉइंट के अंदर क्या हो गया था, फ्रैक्चर हुआ था। तो जो सबसे पहले एक्सरे करवाया गया था वो उसी टाइम पे रिस्ट जॉइंट का करवाया गया था। तो जो डिस्कवरी की थी विलियम रोंटगन ने की थी, इसी हिसाब से आपको याद रख लेना है। सबसे पहले जो एक्सरे हुआ था किसका हुआ था, रिस्ट का हुआ था, किसने करवाया था, विलियम रोंटगन ने, कब करवाया था, 1895 के अंदर, कब करवाया था, 1895 के अंदर करवाया था। ये इन्फॉर्मेशन है मेगा सीबीटी के रिगार्डिंग, सपोर्टिंग नंबर पे कॉन्टेक्ट कीजिए और टेस्ट ज्वाइन कीजिए, टेस्ट को एंजॉय कीजिए, टेस्ट दीजिए, अपने रैंक देखिए, नंबर देखिए, जो भी है। अब एक्सरे से रिलेटेड इंफॉर्मेशन क्या है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो देख लीजिए, क्या है, मोर डेंस इमेज गिव या फिर मोर डेंस स्ट्रक्चर गिव क्या देगी, वाइट इमेज। एक्सरे के अंदर जो इमेज लेते हैं वो कौन सी देगी, वाइट इमेज देगी, मोर डेंस स्ट्रक्चर, और जो लेस डेंस स्ट्रक्चर होगी वो क्या देगी, ब्लैक इमेज देगी, लेस डेंस स्ट्रक्चर गिव क्या देगी, ब्लैक इमेज। मतलब क्या है इनका, मोर डेंस लेस डेंस इनका मतलब क्या है वो देख लीजिए। यदि हम बोन का एक्सरे करवाते हैं, बोन गिव क्या देगी, बोन क्या देगी, डेंस स्ट्रक्चर है इसलिए क्या देगी, वाइट इमेज, क्या देगी, वाइट इमेज, एक्सरे के अंदर क्या देगी, वाइट इमेज देगी। एक्सरे के अंदर जो मोर डेंस स्ट्रक्चर आएगी, जैसे हम बोन का एक्सरे कर रहे हैं तो बोन की जो इमेज आएगी वो वाइट आएगी, बोन क्या है, डेंस स्ट्रक्चर है। जो लेस डेंस स्ट्रक्चर होती है वो क्या देगी, ब्लैक इमेज, जैसे एयर क्या है, लेस डेंस स्ट्रक्चर है, तो एयर क्या देगी, ब्लैक इमेज देगी, क्या देगी, ब्लैक इमेज, क्या देगी, ब्लैक इमेज देगी। ये एक्सरे से रिलेटेड था, क्या था, एक्सरे से रिलेटेड,
ऐसे तो सेकंड एक्सरे हुआ था, फिर थर्ड एक्सरे हुआ था, फोर्थ हुआ था, फिफ्थ हुआ था, ऐसे तो चलता ही गया। फिर सभी का याद तो नहीं रखते हैं, फर्स्ट वाला याद रखते हैं, किसी को भी किसी में भी देख लो सही, फर्स्ट चीज याद तो होनी चाहिए। और तो बाकी से तो क्या है, क्वेश्चन इसी टाइप से आता है कि फर्स्ट एक्सरे से डिस्कवरी किसने की थी, इसी टाइप का क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट वन देखिए, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन के अंदर सीटी स्कैन, सीटी स्कैन के अंदर क्या करेंगे, विजुअलाइजेशन मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बेटर बाय डिफरेंस प्लेन, अलग अलग प्लेन के थ्रू क्या देखेंगे, उस स्ट्रक्चर को देखेंगे जिससे बोन हार्ट टिश्यू, उसके अंदर क्या करेंगे, सीटी स्कैन के थ्रू देखेंगे बोन हार्ट टिश्यू, जो उसकी हार्डनिंग है उसको जो अलग अलग एरिया से अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट व्यूज से देख सकते हैं उसके अंदर है। उसका दो टाइप है, कॉन्ट्रास्ट, हम यदि डाइज काम में लेंगे तो कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन होगी, यदि डाइज काम में नहीं लेंगे तो नॉन कॉन्ट्रास्ट डाई होगी। फिर देखिए इसके अंदर हमारे काम क्या है वो देख लीजिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कॉन्ट्रास्ट डाई काम में लेंगे, सीटी स्कैन के अंदर कॉन्ट्रास्ट डाई काम में लेंगे, या किसी भी प्रोसीजर में हम कॉन्ट्रास्ट डाई काम में लेते हैं, तो सबसे पहले काम क्या होता है हमारा, उसके रीनल फंक्शन चेक करना। क्या होता है, रीनल फंक्शन चेक करना, रीनल फंक्शन एडिक्वेट है या नहीं है, नॉर्मल यूरिन आउटपुट है या नहीं है, इनटेक नॉर्मल है या नहीं है, तो रीनल से रिलेटेड फंक्शन चेकआउट करते हैं। टू चेक क्या करते हैं, टू एक्सक्रेट द डाई, डाई एक्सक्रेट करने के लिए क्या करते हैं, फ्लूड वॉल्यूम को, जो फ्लूड इनटेक है उसको इंक्रीज कर देते हैं। हैव एड्रेनलिन ऑन द बेड साइड, बेड साइड उसके क्या रखेंगे, जिस पेशेंट के अंदर हम डाई दे रहे हैं उसके बेड साइड के अंदर क्या रखना है, एड्रेनलिन का इंजेक्शन रखना है। वो किसके लिए, यदि एडवर्स रिएक्शन होती है या फिर उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट आते हैं, उस कंडीशन में एड्रेनलिन काम में लेना है। नेक्स्ट वन टेस्ट देखिए, नेक्स्ट वन कौन सा हो गया, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिनेशन, एमआरआई की फुल फॉर्म होगी, इन विच क्रिएट द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे, यूज फॉर सॉफ्ट टिश्यू विजुअलाइजेशन, सॉफ्ट टिश्यू की विजुअलाइजेशन के लिए क्या काम में लेते हैं, एमआरआई। और सीटी स्कैन किसके लिए काम में लेते हैं, किसके लिए काम में लेते हैं, हार्ड टिश्यू के लिए, सॉफ्ट टिश्यू के लिए एमआरआई काम में लेते हैं। देखिए जो डेंस स्ट्रक्चर होगी, जो मोर डेंस स्ट्रक्चर होगी, आपने एक्सरे नहीं देखा क्या कभी, एक्सरे आता है उसके अंदर जो हड्डी आती है, जैसे आपने एक्सरे करवाया रेडिस का एक्सरे मान लो, तो रेडियस बोन तो क्या दिखेगी उस एक्सरे के अंदर, सफेद सफेद दिखेगी, और बाकी जो एरिया होगा वो बिल्कुल क्या होगा, ब्लैक होगा। इसका मतलब क्या है कि वो साइड का एरिया ब्लैक आ रहा है और जो बोन आ रही है वो क्या है, ब्लैक क्यों आ रही है, सॉरी वो बोन व्हाइट क्यों आ रही है, उसी का वही चीज मैं बता रहा था। जो डेंस स्ट्रक्चर है, डेंस स्ट्रक्चर का मतलब जटिल स्ट्रक्चर है, जैसे बोन क्या है, डेंस स्ट्रक्चर है, तो इसके थ्रू एक्सरे गुजरेगी तो ये क्या, कौन सी लाइट प्रोड्यूस करेगी, व्हाइट लाइट प्रोड्यूस करेगी, क्या करेगी, व्हाइट इमेज प्रोड्यूस करेगी, और जो एयर आसपास में जो एयर एरिया रहेगा वहां से क्या होगी, लेस डेंस स्ट्रक्चर है इसकी वजह से क्या होगा, ब्लैक इमेज आएगी। एक्सरे को अच्छे से देखना आज, उसके अंदर देखना कि बोन की जो इमेज आ रही है वो व्हाइट आ रही है, उसके साइड के अंदर जो भी एरिया मिलेगा आपको, स्पेस मिलेगा, वो बिल्कुल ब्लैक मिलेगा। उसका कारण क्या है, लेस डेंस के अंदर क्या होगी, ब्लैक इमेज आएगी, मोर डेंस के अंदर क्या होगी, व्हाइट इमेज आएगी, एयर के अंदर ब्लैक इमेज आएगी, एयर के अंदर ब्लैक इमेज और बोन के अंदर क्या आएगी, व्हाइट इमेज। इसके साइड इफेक्ट देख लीजिए, हम एमआरआई को किसके अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखते हैं, क्योंकि एमआरआई के थ्रू क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड का क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। एमआरआई प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिकॉज एमआरआई इंक्रीज द एमनियोटिक फ्लूइड टेम्परेचर, क्या होती है, एमनियोटिक फ्लूइड का टेम्परेचर इंक्रीज कर देती है एमआरआई, जिस वजह से इसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखा गया है। देखा हुआ है ना, गुड, तभी समझ में आ गया जल्दी। अब स्टार्ट करते हैं, वो तो हमारे क्या थी, रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन थे, अब कुछ इन्वेजिव प्रोसीजर है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। इन्वेजिव प्रोसीजर, इन्वेजिव प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे या फिर कुछ एस्पायरेट करेंगे, बॉडी को क्या करेंगे, पिंच करेंगे, इन्वेजिव प्रोसीजर होगी। उसके अंदर फर्स्ट वन है आर्थ्रोसेंटेसिस, आर्थ्रो का मतलब क्या होता है, ज्वाइंट होता है, सबसे पहले आर्थ्रोसेंटेसिस है, आर्थ्रोसेंटेसिस के अंदर आर्थ्रो का मतलब ज्वाइंट और सेंटेसिस का मतलब एस्पायरेशन, सेंटेसिस का मतलब क्या होता है, एस्पायरेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर्थ्रो का मतलब क्या हुआ, जॉइंट,
इसका मतलब क्या हुआ, जॉइंट से एस्पायरेशन करना है। ये हमारा क्या हो गया, जॉइंट देख लीजिए, इंजेक्शन लगाया, यहां से कुछ एस्पायरेट किया, कुछ किया एमनेट सॉरी साइनोवियल फ्लूइड एस्पायरेट किया, तो उसको क्या बोलते हैं, आर्थ्रोसेंटेसिस। जैसे सेंटेसिस जिस भी सेंटेंस के पीछे लगता है, जिस वर्ड के पीछे लगता है, उसका मींस क्या होता है, एस्पायरेशन। जो प्रोसीजर होगी वो एस्पायरेशन से रिलेटेड होगी, सेंटेसिस मींस का मतलब। जॉइंट इनवेसिव प्रोसीजर, ये देखिए, इनवेसिव प्रोसीजर इन विच नीडल इज इंसर्टेड इन टू जॉइंट कैप्सूल एंड फ्लूड इज एस्पायरेट। जो एमनेट सॉरी साइनोवियल फ्लूड होगा उसको क्या करेंगे, एस्पायरेट करेंगे, क्या करेंगे, एस्पायरेट करेंगे, समझ में आ रहा है, उसको क्या करेंगे, एस्पायरेट करेंगे। उसके लिए क्या करते हैं, आर्थ्रोसेंटेसिस करते हैं। अब इंडिकेशन क्या है, आर्थ्रोसेंटेसिस करते कब कब है वो देख लीजिए, ये डायग्राम देख लीजिए उससे पहले कि आर्थ्रोसेंटेसिस, ये कौन सा डायग्राम है, आर्थ्रोसेंटेसिस, इसको क्या बोलते हैं, आर्थ्रोसेंटेसिस। आर्थ्रोसेंटेसिस में करते क्या है, नीडल इंट्रोड्यूस करेंगे जॉइंट के अंदर। ये कौन सा जॉइंट है, नी जॉइंट। कौन सा जॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, नी जॉइंट। नी जॉइंट के अंदर क्या किया, नीडल इंसर्ट किया और साइनोवियल फ्लूइड को क्या किया, एस्पायरेट किया, क्या किया, एस्पायरेट कर लिया। अब हम आर्थ्रोसेंटेसिस जो फ्लूइड एस्पायरेट करते हैं वो कौन कौन सी कंडीशन में करते हैं, क्रॉनिक इंजरी ऑफ जॉइंट, जॉइंट की कोई क्रॉनिक इंजरी हो रखी है, इंजरी है उसी के साथ साइनोवियल फ्लूइड के अंदर कोई इन्फेक्शन प्रेजेंट है, उस कंडीशन में आर्थ्रोसेंटेसिस करते हैं। नर्सिंग रोल क्या होंगे, टू टेक कंसेंट फॉर्म, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इन्वेसिव प्रोसीजर कर रहे हैं। मैंने बताया था एक बार कि जो भी हम इन्वेसिव प्रोसीजर करते हैं उसके रिगार्डिंग हम कंसेंट फॉर्म किस हिसाब से किससे लेना होता है। जो भी हम 18 साल से नीचे का पर्सन है, बिलो 18 ईयर उसकी एज है, उस कंडीशन में उसका कंसेंट फॉर्म उसके लीगल गार्जियन के थ्रू लेते हैं। किससे लेते हैं, लीगल गार्जियंस का मतलब उसके माता पिता से लेते हैं। यदि एज 18 से अबव है उस कंडीशन में पर्सन सेल्फ अपना कंसर्न फॉर्म दे सकता है। वो किससे पहले लेते हैं, बॉडी के अंदर जो भी इन्वेसिव प्रोसीजर होगी उससे पहले कंसर्न फॉर्म लेना जरूरी है। सेकेंड वन है, वेयर द इलास्टिक बैंडेज अपरेंट के ऊपर क्या करेंगे, इलास्टिक बैंड को व्रेप करेंगे, पेन मैनेजमेंट के लिए एनएसआईडी काम में लेंगे और पेशेंट को रेस्ट के लिए बोलेंगे 2 दिन तक, या फिर 8 से लेकर 24 आवर्स तक क्या करेंगे, उसको रेस्ट के लिए अलाउ करेंगे। सेकेंड जो प्रोसीजर है वो क्या है, आर्थ्रोग्राफी। सेकेंड क्या है, आर्थ्रोग्राफी। ये क्या है, आर्थ्रोग्राफी। आर्थ्रो का मतलब समझ में आई गया आपको, आर्थ्रो का मतलब क्या होता है, जॉइंट हो गया, और ग्राफी का मतलब क्या हो गया, एक्सरे के थ्रू उसको देखना। तो क्या है जॉइंट का, क्या है, एक्सरे विजुअलाइजेशन। किसी भी जॉइंट का क्या हो गया, एक्सरे विजुअलाइजेशन का मतलब क्या हो गया, आर्थ्रोग्राफी। आर्थ्रोग्राफी में होता क्या है वो देख लीजिए आप, डाइज इज इंजेक्ट इन टू द जॉइंट, देन सीरीज ऑफ एक्सरे इज टेकन। क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या करेंगे, डाई इंजेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, जॉइंट के अंदर डाई इंजेक्ट करेंगे और फिर एक्सरे लेंगे। एक्सरे इज टेकन, द डाइज इज एक्युमुलेटेड इनटू द टेयरिंग और लेजन साइड। सबसे पहले जॉइंट के अंदर क्या करेंगे, हम डाइज इंजेक्ट कर देंगे। डाई क्या करेगी, जो भी जॉइंट के अंदर जो लेजन एरिया है, जहां पे अल्सर बने हुए या लेजन बना हुआ है, इंजरी हो रखी है, वहां पे जाके डाई एक्युमुलेट हो जाएगी। उसके बाद में हमें क्या लेना है, एक्सरे लेना है, तो उसको क्या बोलते हैं, आर्थ्रोग्राफी बोलते हैं। वो करते कब है, लीजन इन द जॉइंट, एग्जाम्पल जैसे शोल्डर और नी जॉइंट, हिप जॉइंट के अंदर यदि कोई लीजन हो रखा है, क्या क्लियर नहीं आ रहा, क्वालिटी बिल्कुल बढ़ा के रखी है, ऐसे मान के चलो डबल कर रखा है, तभी जाके ये चीजें दिखाई दे रही है आपको, इसके डार्कनेस काफी ज्यादा बढ़ाई हुई है, मेरे को तो सब कुछ सही दिखाई दे रहा है। आपकी इंटरनेट की क्वालिटी चेक कीजिए आप, क्या वॉइस क्लियर नहीं आ रही, या ये जो सामने दिखाई नहीं दे रहा अच्छे से, क्लियर दिखाई दे रहा है मेरे को भी, क्या प्रॉब्लम आ रही है। लीजन का मतलब क्या हुआ, जॉइंट है एक दूसरे पर क्या हुआ, रब किया, जैसे आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज है, अर्थराइटिस पढ़ते हो ना, अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, उनमें होता है क्या है, जॉइंट स्पेस कम होगा, जॉइंट एक दूसरे पे क्या करेंगे, फ्रिक्शन करेंगे, फ्रिक्शन करेंगे तो होगा क्या, लीजन बनेंगे। उस कंडीशन में क्या करेंगे,
उसके अंदर डाई इंजेक्ट करेंगे, एक्सरे लेंगे उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, आर्थ्रोग्राफी। तो इंडिकेशन है शोल्डर जॉइंट, सेकेंड वन है नी जॉइंट, थर्ड वन है हिप जॉइंट। इसी के साथ क्रोनिक टीयरिंग ऑन जॉइंट के अंदर कोई इंजरी हो रखी है, उस कंडीशन में भी क्या करेंगे, आर्थ्रोग्राफी करेंगे। नेक्स्ट वन देखिए, नर्सिंग रोल क्या होंगे इसके अंदर, इसके अंदर नर्सिंग रोल क्या होंगे, इसके अंदर कंसेंट फॉर्म लेना है, क्योंकि ये भी क्या है, इनवेजिव प्रोसीजर है। सेकेंड वन है कंसेंट फॉर्म लेने के बाद में रेप प्लास्टिक बैंडेज, और इसी के साथ एनएसआईडी देंगे, और इसके अंदर 3 से 4 दिन के लिए पेशेंट को क्या करेंगे, रेस्ट के लिए बोलेंगे, किसके अंदर, आर्थ्रोग्राफी के अंदर। नेक्स्ट वन, थर्ड वन देखिए, इनवेजिव प्रोसेस फर्स्ट वन कौन सी होगी, आर्थ्रोसेंटेसिस, सेकेंड वन आर्थ्रोग्राफी, थर्ड वन आर्थ्रोस्कोपी। आर्थ्रोस्कोपी के अंदर क्या करते हैं, स्कोप के थ्रू क्या करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन बाय द एंडोस्कोप के थ्रू क्या कर देंगे, विजुअलाइजेशन कर देंगे, क्या करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे। नेक्स्ट वन देखिए, डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक दोनों पर्पज के लिए आर्थ्रोग्राफी को यूज करते हैं, यानी कि हम किसी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए या फिर उस इंजरी को ट्रीट करने के लिए, दोनों ही कंडीशन में आर्थ्रोग्राफी काम में ले सकते हैं। इट इज ए इनवेजिव प्रोसीजर, ये क्या है, इनवेजिव प्रोसीजर है, जिसमें कंसर्न फॉर्म लेंगे इन विच विद द हेल्प ऑफ एंडोस्कोप डायग्नोस्टिक डायग्नोस द इंजरी और टीयरिंग ऑफ जॉइंट, जॉइंट की कोई टीयरिंग हो रखी है, इंजरी हो रखी है, उस चीज को क्या करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, उस चीज को डायग्नोस करेंगे, किसके थ्रू, एंडोस्कोप के थ्रू। इट इज बोथ डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक पर्पज, दोनों पर्पज से यूज करी जाती है आर्थ्रोग्राफी। नेक्स्ट वन देखिए, रिकंस्ट्रक्ट द लिगामेंट, जो लिगामेंट की इंजरी हो रखी है उस कंडीशन में क्या करेंगे, उसको ट्रीट कर देंगे और एनपीओ रखेंगे पेशेंट को। ये प्रोसीजर देखिए, आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, उसको क्या बोलते हैं, ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, उसको क्या बोलते हैं, आर्थ्रोस्कोपी, क्या बोलते हैं, आर्थ्रोस्कोपी, किसके थ्रू विजुअलाइजेशन करेंगे, एंडोस्कोप के थ्रू। उसके अंदर क्या काम ले रहे थे, एक्सरे ले रहे थे, किसके अंदर, ग्राफिक के अंदर है, और स्कोपी में क्या काम के, अरे देखो स्कोपी और इसके अंदर फर्क है, देखिए उसके अंदर मैंने क्या बोला था, स्कोपी के अंदर, सॉरी ग्राफिक के अंदर मैंने क्या बोला था, डाई इंजेक्ट करेंगे सबसे पहले, तो डाई क्या करेगी, लीजन एरिया पे जाके क्या होगी, एक्यूमुलेट होगी, उसके बाद में क्या करना है, उसका एक्सरे लेना है, मैंने ये नहीं बोला उसका विजुअलाइजेशन करना है, क्या बोला मैंने, उसका मल्टीपल एक्सरे लेना है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, आर्थ्रोग्राफी के अंदर, द डाई इंजेक्ट इन टू द जॉइंट, देन सीरीज ऑफ एक्सरे इज टेकन, द डाई इज एक्यूमुलेटेड इन द टीयरिंग और लीजन साइड, लीजन साइड पे वो जाके एक्यूमुलेट होगी और वहां से एक्सरे लेना है। अब डायरेक्ट विजुअलाइजेशन कर रहे हैं किसके थ्रू, एंडोस्कोप के थ्रू, तो उसको क्या बोलते हैं हम, आर्थ्रोस्कोपी, क्या बोलते हैं, आर्थ्रोस्कोपी, क्या बोलते हैं, आर्थ्रोस्कोपी बोलते हैं, डायरेक्ट विजुअलाइजेशन करते हैं किसके थ्रू, एंडोस्कोप के थ्रू। देखिए यहां पे साथ में इसके अंदर विजुअलाइजेशन किया जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, आर्थ्रोस्कोपी बोलते हैं, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वन देखिए, इसके अंदर क्या होंगे, रिकॉन्स्ट्रक्ट द लिगामेंट की जो इंजरी हो रखी है उसको क्लियर करेंगे, उसी के साथ नर्सिंग एक्शन क्या होगा, कंसेंट फॉर्म लेना है, क्योंकि इनवेजिव प्रोसीजर है, पेशेंट को एनपीओ रखना है, एनएसीएड देनी है, और कर्च वॉकिंग के लिए क्या करना है, उसको वो इसके बारे में एडवाइस करना है, उसको सिखाना है, इसी के साथ वॉकिंग गाइड्स और 3 to 4 days उसको रेस्ट के लिए अलाउ करना है पेशेंट को। आ गए समझ में, दोनों के लिए होता है आर्थ्रोस्कोपी, डायग्नोस्टिक और थेरापेटिक पर्पज, दोनों पर्पज के लिए होता है। नेक्स्ट वन देखिए, मिनरल एस्टिमेशन टेस्ट, मिनरल एस्टिमेशन टेस्ट में फर्स्ट वन डेक्सा, काफी नाम सुना होगा आपने, ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शियोमेट्री, नाम को अच्छे से याद रख लीजिए, इससे रिलेटेड फुल फॉर्म भी आ सकती है, डेक्सा की फुल फॉर्म पूछ सकता है। डेक्सा क्या है, ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शियोमेट्री, इसको क्या बोलते हैं, मिनरल एस्टिमेशन टेस्ट के अंदर काउंट करते हैं, डेक्सा ड्यूअल एनर्जी
एक्सरे एब्जॉर्प्शियोमेट्री, इसको यूज क्यों करते हैं? यूज फॉर मिनरल एस्टिमेशन ऑफ बोन मास, बोन मास या बोन की डेंसिटी को क्या करने, किसके लिए? एस्टिमेशन, पता करने के लिए कि बोन के अंदर मिनरल्स कितने हैं, उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए. डेक्सा स्कैन यूज फॉर टू डिटेक्ट बोन डेंसिटी. किसके लिए? बोन डेंसिटी को डिटेक्ट करने के लिए काम में लिया जाता है. जो मोस्ट कॉमन है, मोस्ट कॉमन किसके लिए काम में लिया जाता है? ऑस्टियोफोरोसिस के लिए. किसके लिए काम में लिया जाता है? ऑस्टियोफोरोसिस का क्या है? गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट है. कौन सा? डेक्सा. किसका लेते हैं एक्सरे? कहां से लेते हैं ये? सॉरी, डेक्सा किसका करते हैं? वर्टिब्रा का, हील का, इसी के साथ रिस्ट का. गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर किसके लिए? ऑस्टियोफोरोसिस के लिए. ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आता है कि डेक्सा हम किसके लिए करते हैं, तो किसके लिए करते हैं? गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट किसका है? ऑस्टियोफोरोसिस का. समझ में आ रहा है? उसको क्या बोलते हैं? गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर ऑस्टियोफोरोसिस. अरे आर्थ्रोस्कोपी क्या होती है? मैंने क्या बताया? ये डायग्राम आपको दिखाया ना अभी, इसके अंदर क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट कह रहे हैं, एंडोस्कोप के थ्रू क्या कर रहे हैं? उसका विजुअलाइजेशन कर रहे हैं. देखिए यहां पे डायरेक्ट उसका विजुअलाइजेशन हो रखा है. या तो उसको हम देख सकते हैं कि कौन से एरिया के अंदर लीजन प्रेजेंट है या नहीं है, तो उसका विजुअलाइजेशन हो गया, डायरेक्ट विजुअलाइजेशन हो गया एंडोस्कोप के थ्रू. ठीक है, और उस कंडीशन में यदि लीजन प्रेजेंट है उसको हम ट्रीट भी कर सकते हैं, तो वो थेरापेटिक और डायग्नोस्टिक दोनों पर्पज से यूज होती है आर्थ्रोस्कोपी. तो एक्सरे चल रहा था, सॉरी डेक्सा चल रहा था, डेक्सा ड्यूअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शियोमेट्री, जो ऑस्टियोफोरोसिस का क्या है? गोल्डन स्टैंडर्ड टेस्ट है. नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट वन क्या हमारा? बोन स्कैन. बोन स्कैन में क्या करेंगे? सिस्टमेटिक डाई इंजेक्ट करेंगे. सिस्टमेटिक डाई इंजेक्ट करने के बाद में क्या होगा? सिस्टमेटिक डाई इंजेक्ट किसके थ्रू? वेन के थ्रू. किसको डिटेक्ट करने के लिए? कैंसर की कंडीशन के अंदर और मैलिग्नेंसी ऑफ बोन, बोन की मैलिग्नेंसी और कैंसर की कंडीशन के अंदर क्या करेंगे? सिस्टमेटिक डाई इंजेक्ट करेंगे वेन के थ्रू, और वो क्या करेगी? उस चीज को क्या बोलेंगे हम? बोन स्कैन. इन दिस सिस्टमेटिक डाई इंजेक्ट इन वेसल्स देन डाई एक्युमुलेटेड इन लीजन साइड देन सीरीज ऑफ एक्सरेज टेकन, इसको क्या बोलते हैं? बोन स्कैन. इसके अंदर डिफरेंस क्या है? इसके अंदर सिस्टमेटिक रूट के थ्रू क्या की गई है? डाई इंजेक्ट की गई है. नर्सिंग रोल के अंदर क्या करना है? वही फ्लूड इंटेक को इंक्रीज करना है और डिक्रीज द एक्सक्रेशन विद इन 24 to 48 hours. इसके अंदर कुछ मिस्टेक है, इसको क्लियर कर लीजिए, ये चीज गलत है, इसको करेक्ट कर लीजिए. इंक्रीज द फ्लूड इंटेक को क्या करेंगे? 24 to 48 hours तक क्या करेंगे? इंक्रीज करेंगे. वो चीज क्या करेगी? इंक्रीज किसके? डाई के एक्सक्रेशन को. डाई एक्सक्रेशन विद इन 24 to 48 hours. क्या करेंगे? फ्लूड इंटेक को बढ़ा देंगे तो डाई जल्दी से जल्दी जितना फास्ट हो सके बॉडी से बाहर निकल जाए, उसके लिए करते हैं ये वाला. ये नर्सिंग रोल हो गया इसके अंदर. नेक्स्ट वन देखिए, माइलोग्राफी. माइलोग्राफी ये किसके लिए काम में लेते हैं? समझ में आ रहा होगा, ग्राफी का मतलब विजुअलाइजेशन हो गया, एक्सरे हो गया. इन दिस डाई इज इंजेक्ट इन सब अरेकेनोइड स्पेस. किसके अंदर इंजेक्ट करते हैं? सब अरेकेनोइड स्पेस के अंदर. टू चेक लीजन इन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, लीजन्स को चेकआउट करने के लिए क्या करेंगे? सब अरेकेनोइड स्पेस के अंदर क्या करेंगे? डाई इंजेक्ट करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे? एक्सरे लेंगे. उस चीज को क्या बोलते हैं? माइलोग्राफी. क्या बोलते हैं? माइलोग्राफी. वही चीज है, हम क्या दे रहे हैं? डाई दे रहे हैं, उस कंडीशन में फ्लूड इंटेक को इंक्रीज करना है, इंजेक्ट एयर इंजेक्ट करनी है और हेड डाउन पोजिशन देनी है. इसी के साथ लास्ट वन देखिए, इलेक्ट्रोमायोग्राफी. इलेक्ट्रोमायोग्राफी क्या करते हैं? टू डिटेक्ट मसल्स वीकनेस. मसल्स वीकनेस को डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमायोग्राफी करते हैं. इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, सिंपल क्वेश्चन कि मसल्स की वीकनेस या मसल्स स्ट्रेंथ को चेकआउट करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? तो कौन सा करते हैं? इलेक्ट्रोमायोग्राफी करते हैं. अब इससे रिलेटेड क्या बात याद रखनी है आपको? इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट किसके लिए? डू नॉट टेक एनी स्टिमुलेंट और सेडेटिव फॉर 24 आवर बिफोर द प्रोसीजर. प्रोसीजर से पहले 24 घंटे पहले ना तो कोई स्टिमुलेंट लेना है ना ही कोई सेडेटिव लेनी है. जैसे अपने चाय कॉफी ये क्या होते हैं? स्टिमुलेंट होते हैं. इनको अवॉइड करना है किससे? 24 घंटे पहले. या फिर कोई भी सेडेटिव जैसे डाइजीपाम कोई मेडिसिन ले रहा है सेडेटिव, वो भी क्या करनी है? अवॉइड करनी है. क्योंकि हम क्या देंगे? स्टिमुलेंट देंगे तो मसल्स की एक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी. सेडेटिव देंगे तो मसल्स की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी. उस कंडीशन में इलेक्ट्रोमायोग्राफी के थ्रू
जो मसल्स की एक्चुअल वीकनेस है, स्ट्रेंथ है, जिसको हम चेकआउट करना चाहते हैं, वो अच्छे से हमें चेकआउट नहीं हो पाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, डायग्नोस्टिक टेस्ट और जॉइंट से रिलेटेड ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। जो भी टॉपिक बचा है वो ऑर्थोपेडिक्स का बचा है, वो देखते हैं, जैसे अरेंज हो पाया तो क्लास कंडक्ट करवा देंगे ऑर्थोपेडिक्स की। बाकी आपका जनरल एनाटॉमी और स्केलेटल से रिलेटेड, एक्सियल और अपेंडिकुलर, और जहां से क्वेश्चन आते हैं जो जॉइंट से रिलेटेड मेनली और डायग्नोस्टिक टेस्ट के रिलेटेड, ये कंप्लीट हो गया। मायलोग्राफी, स्पाइनल कोर्ड से रिलेटेड कोई भी इंजरी हो रखी है उस कंडीशन में सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर क्या करेंगे, डाई इंजेक्ट कर देंगे और फिर क्या लेंगे, एक्सरे लेंगे, उस चीज को क्या बोलते हैं, मायलोग्राफी। समझ में आ रहा है? सब एरेक्नॉइड स्पेस के अंदर इंजेक्ट करेंगे। देखिए अब उनकी एक बार फिर से दिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत की है भाई, क्योंकि वक्त तो बोलता है भाई। तो देखिए टॉप रैंकर्स, टॉप 10 रैंकर्स जो भी न्यू स्टूडेंट है उनके लिए चैलेंज है अपने आप के अंदर कि हमें भी इन 10 के अंदर टॉप 10 के अंदर हमें अपना स्थान पक्का करना है। और रूपाली ने काफी इंप्रेस किया है, कंटिन्यू इन्होंने प्रोग्रेस की है, पहले टॉप 10 में एंट्री की उन्होंने, फिर लगातार अपनी जो भी पोजिशन है उसको इम्प्रूव करते गई है। बाकी सरिता और शीला, पंकज और अंजलि रावत, ये 4-5 स्टूडेंट है जो कंटिन्यू टॉप 10 रैंकर्स बने हुए हैं, टॉप 10 में इनकी काउंटिंग हो रही है। तो देखते हैं कितने टाइम तक अपनी सीट को बरकरार रख पाते हैं। आपको कोशिश करनी है, पूरी तैयारी के साथ एग्जाम में बैठना है, आराम से एग्जाम देना है, कोई टेंशन नहीं है, और अपने स्कोर को जो भी आप मिस्टेक कर रहे हो उस पिछले वाले टेस्ट से समझना है, सीखना है हमारी कहाँ मिस्टेक हो रही है, क्या गलती की थी पिछले वाले टेस्ट में, नेक्स्ट टेस्ट में वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो रिवाइज हो जाते हैं, कौन से क्वेश्चन होते हैं जो ऐसे लगते हैं कि काफ़ी स्टूडेंट के, देखिए आपने देखा होगा कि जो मेजर हुआ था, मिनी मेजर हुआ था, उसके अंदर 5-7 ऐसे क्वेश्चन थे जो पिछले टेस्टों से, माइनर टेस्ट से रिपीट हुए थे। वो क्यों रिपीट हुए थे? वो काफ़ी क्वेश्चन क्या होते हैं, स्टूडेंट के गलत हुए होते हैं, उन्होंने रॉन्ग किया था, तो उन क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया था कि देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करते हैं। तो वो जो गलती एक बार हो गई, जो क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, वो नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए, टेस्ट का मतलब यही है। अपनी जो भी पोजीशन है उसको बरकरार रखिए, और जो भी टॉप 10 में नहीं हो पा रहा जिनका, वो अपनी स्टडी को डबल कर दीजिए, ट्रिपल कर दीजिए, जितना हो सके उतना पढ़िए आप, लेकिन अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। देखिए अब देखते हैं नेक्स्ट टेस्ट में किन का नंबर आते हैं। 13 तारीख को जो क्लास होगी उसके अंदर जो टॉप 10 रैंकर्स होंगे 12 तारीख वाले टेस्ट के, उनको दिखाया जाएगा। तो अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, इसी हिसाब से पढ़ते रहिए, नेक्स्ट क्लास की क्लास होगी तो उसके इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। और राजेश सर की कल क्लास आई बर्न की, एंटोगोमेट्री भी आएगा उसके अंदर। देखिए आपका पहले भी काफी क्वेश्चन था स्पाइनल कोर्ड से रिलेटेड, स्पाइनल कोर्ड से रिलेटेड क्या क्वेश्चन थे, एक स्टूडेंट था, नाम तो पता नहीं मेरे को, वो क्या पूछ रहा था, न्यूक्लियस पाल्पोसस, ये चीजें पूछ रहा था, वो किसके अंदर पढ़ते हैं। मैंने जो फर्स्ट क्लास ली थी वो किसकी ली थी, ओनली स्केलेटल का बेसिक पढ़ाया था मैंने, कि आपको चीजें पता लग जाए कि कौन सी बोन कहाँ है और कौन सी बोन कहाँ है, उसके लोकेशन, उसके जॉइंट आपको पता लग जाए। क्योंकि आपने जैसे मैंने पढ़ाया था उस टाइम पर कार्पल, मेटाकार्पल, टार्सल, जो बोन मैंने बताई थी वो समझ में आ गई, तो जॉइंट फटाफट आपको याद हो गए। तो वही चीज बताने की कोशिश करता हूँ कि जो भी आपके वर्टिब्रा से रिलेटेड डिसऑर्डर है, मेस्टली तो क्या है, कर्वेचर से रिलेटेड है, जो काइपोसिस, स्कोलियोसिस और लॉर्डोसिस, ये मैंने बता दिए, और ट्विस्टिंग ऑफ नोक, सॉरी नेक, ये और देखने को मिलता है। इसी से रिलेटेड एक डिसऑर्डर हो रहा है जिसको हम बोलते हैं उसको जो स्पाइनल कोड है उसका प्रोट्रूजन होता है, उससे रिलेटेड क्या बोलते हैं उसको, प्रोट्रूजन होता है स्पाइनल कोड के, जो न्यूक्लियस पाल्पोसस वास्कुलसस है उनका हर्निएशन होता है, बाहर की तरफ प्रोट्रूज होते हैं, और जिस एरिया के अंदर होते हैं उसके सराउंडिंग एरिया क्या करते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। तो जो भी क्लास होगी नेक्स्ट, एक बार सभी रिप्लाई कीजिए नेक्स्ट क्लास के लिए कितने स्टूडेंट रेडी है। अरे समझा दूंगा, वो जो भी स्पाइन से रिलेटेड है
हाँ जी, वो स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा वो वगैरह आपके पीडियाट्रिक्स के अंदर आएंगे। पीडियाट्रिक्स की है तो पीडियाट्रिक्स का पेपर होगा तो उससे पहले वो करवा दी जाएंगे नर्व सिस्टम में। नेक्स्ट क्लास का बताइए फटाफट, कौन कौन स्टूडेंट रेडी है नेक्स्ट क्लास के लिए? ऑर्थोपेडिक्स, हाँ जी, वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, उसके अंदर एनेंसेफेली, स्पाइना बाइफिडा, स्पाइना ओकल्टा, सिस्टिका, ये सभी देखने को मिलते हैं। और स्टूडेंट की संख्या कम कैसे है? फर्स्ट क्लास में कितने थी? 400, 450 स्टूडेंट थे। इस क्लास में कितने? 150 स्टूडेंट है। दो काम हो सकते हैं, या तो आपको समझ में नहीं आ रहा, या आपको सब कुछ आता है। जी एआई सिस्टम का भी हो जाएगा। अभी तो कल का किसका रहेगा? कल इंट्रोगेमेट्री का रहेगा, और यदि अभी अरेंज हो पाती है तो आपकी ऑर्थोपेडिक्स की क्लास लगवा देंगे। उसके अंदर हम फ्रैक्चर पढ़ेंगे, उसके साथ हम बोन से रिलेटेड डिसऑर्डर, जैसे क्या हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, ऑस्टियोमलेशिया हो गया, और इसके बाद पिगेट्स डिजीज होगी, स्पाइनल कोर्ड से रिलेटेड डिसऑर्डर हो गए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, गाउटी अर्थराइटिस हो गया, ऑस्टियो अर्थराइटिस हो गया। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा तो ऑस्टियो अर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस, उनके अंदर जो हैंड डिफॉर्मिटीज होती है मोस्टली किससे आते हैं? ऑस्टियो अर्थराइटिस और रूमेटॉइड अर्थराइटिस। इसी के साथ इमेज बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, वो बनते हैं फ्रैक्चर से रिलेटेड। फ्रैक्चर से रिलेटेड काफ़ी इमेज बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, जो मैंने एक बार पहले करवाया हुआ है। मनप्रीत कौर, क्या समझ में नहीं आ रहा? अच्छा, देखिए, अपने जो भी आप लैंग्वेज है, जो जहां यूज करते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल कीजिए। साइबर क्राइम का नाम सुना है ना? तो जो चीज मिल रही है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कीजिए आप, जो चीज समझाई जा रही है, जो चीज पढ़ाई जा रही है। इससे अच्छा जॉइंट को इससे ज्यादा एक्सप्लेन कैसे करूंगा मैं, बताओ। क्या क्या बताऊं उसके अंदर? कोई जन्म गुटी बना के पिला दूं क्या, कि ये पी लो तब याद हो जाएंगे? नेक्स्ट क्लास की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, वो आपको कम्युनिटी पोस्ट के अंदर चेक कर लेना। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। क्लास देख लेना सभी स्टूडेंट एक बार, सर्कुलेट कर देना, कुछ टाइम के बाद में क्लास हटा दी जाएगी, रिमूव कर दी जाएगी यूट्यूब के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स।